नेट देखे क्या चीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद अहबाब, आज का हमारा सेशन पेरेंटिंग ड्यूरिंग कोविड-19। कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से हम 5-7 मिनट जो है वो लेट हुए, इसके लिए माजरत हुआ है। तो जितने भी अहबाब इस वक्त जूम पर हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपनी वीडियो और माइक्रोफोन जो है वो बिल्कुल भी ऑन ना करें। अगर बच्चे पास हैं तो प्लीज़ उससे थोड़ा सा अवॉइड करवाएं। और इसी तरह जो लोग इसमें जूम पे कंफर्टेबल नहीं हैं, उनको पूरी आवाज़ नहीं आ रही, तो वो लोग हमारे एवलॉन हाई के जो ऑफिशियल फेसबुक का लिंक भी आया है अभी लाइव का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हमारे लिए आसानी से सारी चीज़ों को देखना पॉसिबल हो। इसमें क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम लोग फेसबुक के कमेंट्स में दे सकते हैं, और इसी तरह जो जूम के चैटिंग रूम में आ सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो इसकी ज़रूरत पेरेंटिंग ड्यूरिंग कोविड-19 की क्यों महसूस हुई? आप लोग समझते हैं कि इस वक्त जो हमारे हालात चल रहे हैं लॉकडाउन के, और मसाइल जो चल रहे हैं, उन मसाइल में बच्चे भी स्कूल बंद हैं और बच्चों के पास भी कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। तो हमें देखना है कि हम अपने बच्चों के वक्त को किस तरह से कीमती बनाएं। तो वैसे इस फुर्सत के लम्हात को, इन फरागत के लम्हात को हमें कीमती बनाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे लिए ये वक्त जो है वो आने वाले वक्त के लिए बेहतरीन साबित हो। तो हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। कोशिश करेंगे कि कुछ लेट हुआ, 10 मिनट लेट हुआ तो उसमें 10-12 मिनट का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि ये हमारा 4 बजे के करीब जो है हम इसको वो करें, ख़त्म करें सेशन को। ये प्लीज़ वीडियोज़ जो हैं वो ऑफ़ करें। जो बच्चे सामने वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों से ये अपने ले लें, मोबाइल्स ले लें, और वो वीडियोस बार बार ऑन ना करें। आज के हमारे पॉजिटिव पेरेंटिंग, डेफिनेटली हमें पेरेंटिंग का मतलब, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पेरेंटिंग स्टाइल हैं उनको हम पॉजिटिव पेरेंटिंग में चेंज करें। वज़ा अहबाब, आप देखिए अल्लाह ताला ने वालदैन की अहमियत, हम सब वालदैन हैं और हमारी औलाद हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। आप इसका अंदाज़ा वो लोग बखूबी लगा सकते हैं जिन जो उनके पास औलाद नहीं है या वो वालदैन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नेमत को दुनिया की जीनत करार दिया, दुनिया की जीनत करार दिया। जिस नेमत को अल्लाह ताला दुनिया की जीनत करार दें, तो आप सोचें कि वो कितनी बड़ी नेमत होगी जिसको अल्लाह ताला ने जीनत करार दिया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलाद के बारे में कि जिसको अल्लाह ताला ने 2 बेटियां दी, इसने इनकी अच्छी परवरिश की यहाँ तक कि वो जवान हो गई, बड़ी हो गई, तो ये शख्स जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियों को आपस में मिलाया। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है। तो देखें, माँ दुनिया औलाद, एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया की जीनत फरमा रहे हैं, और दूसरी तरफ नबी अलैहिस्सलाम इसी औलाद की बदौलत हमें ये बता रहे हैं, हमें ये समझा रहे हैं कि अगर कोई साथ दुनिया कोई शख्स मेरे साथ जन्नत में साथ रहना चाहता है, तो वो अपनी बेटियों की बहुत अच्छे तरीके से परवरिश करें। गोया कि जन्नत में जाना और नबी अलैहिस्सलाम का जन्नत में साथ इसी औलाद की वजह से मुमकिन हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी इस नेमत की कदर करने की तौफीक दे। आप यकीन करें, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस नेमत की नाकदरी करते हुए हमें नजर आते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस नेमत की कदर करने की तौफीक दे।
आज के हमारे जो टारगेट्स हैं, आज इंशाल्लाह ताला हम अपने जो टारगेट्स देखेंगे, एक तो हमारा ये टारगेट होगा कि हम पेरेंटिंग को समझें कि असल में पेरेंटिंग है क्या। इसी तरह हम देखेंगे कि जब कोई पेरेंटिंग करता है अच्छी या बुरी, गुड एंड बैड पेरेंटिंग के रिजल्ट्स क्या है, इसमें एक चीज मिसिंग है, अच्छी और बुरी पेरेंटिंग के रिजल्ट्स क्या है। इसी तरह हम देखेंगे तीसरा जो हमारा टारगेट है कि डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स कौन से हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेंगे इंशाल्लाह। और इसी के बाद हम देखेंगे स्मार्ट पेरेंटिंग के मेथड्स क्या हैं। और इसी तरह पांचवा हमारा टारगेट है कि हम अपने बच्चों के लिए विजन सेट करें, लॉन्ग टर्म गोल सेट करें। और छठा हमारा टारगेट कि इस ड्यूरिंग कोविड में, लॉकडाउन की सिचुएशन में, हम अपने बच्चों के साथ किस तरह से हम पेरेंटिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम इस वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये टॉपिक बहुत वसी है, बहुत वसी है। तो लेकिन इसको हमें कोशिश करनी है कि हम कुछ सम अप करके हम कुछ लेके जाएं, हम कुछ चीज़ों के बारे में फैसले कर लें आज के इस सेशन के बाद। मैं एक जगह पे इसमें सुन रहा था, प्रोफेसर डॉक्टर जवेद इकबाल साहब हैं, तो वो फरमा रहे थे कि अगर किसी पौधे की निगहदाश्त करनी है तो उसके असूल और जवाबत मुतय्यन किए जा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे की परवरिश करनी है, निगहदाश्त करनी है, एक पॉजिटिव पेरेंट बनना है, तो आप उस पौधे के जो असूल और जवाबत है उसको करोड़ों से जरब दे दें, तो फिर बच्चे की तरबियत के हमारे सामने असूल आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने पेरेंटिंग को एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं लिया और कभी पेरेंटिंग सीखने की कोशिश नहीं की। तो इसी तरह एक और मुफक्कर जो थे, जिस तरह कासिम अली शाह साहब हैं, वो बात कर रहे थे कि जब तक हमें पेरेंटिंग को एक सब्जेक्ट बनाना है, अगर हम इस पेरेंटिंग को हम एक कंपलसरी सब्जेक्ट पे तौर पे लें, हम सीखें, तो यकीनन हमारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने इन 6 टारगेट्स को आज के दिन में इंशाल्लाह अचीव करें। हम लोग अल्लाह ताला हमारे इस वक्त में रहमत बरकत डाले, और हम जो एक दूसरे को समझना समझाना है उसको अच्छे अंदाज से करें। हमारे ये सेशन करवाने का, जो मैं जब इसकी रिसर्च कर रहा था, तो मेरे जहन में यकीन करें कि सिर्फ बच्चे थे, अपने बच्चे। मैंने सोचा कि मुझे इन बच्चों, अपने बच्चों का और स्कूल के बच्चों का वक्त कीमती बनाना है। तो बहुत सारी चीज़ें, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चली, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन फिर एकदम ख्याल आया कि हम ये सारी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जो मेन की एलिमेंट हैं, जो की पार्टिसिपेंट हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, वो तो पेरेंट्स हैं। अगर पेरेंट्स के साथ हम बात नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि हमें वो वाले रिजल्ट्स नहीं मिले। तो मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग हमारे दोनों मीडियम्स पे इस वक्त ये सेशन चल रहा है, इस पे हमारे इस पे आपके फेसबुक पर भी है और हमारे जूम पर भी है, जहाँ आप लोग कंफर्टेबल हैं वहाँ ये सेशन आप ले सकते हैं। जी, हमें अपने सेशन को आगे बढ़ाने की तरफ चलते हुए हमें देखना है, हम कुछ निजीतें कर लें। हमने सुना कि अपने बड़ों से सुना कि आज तक इतना नुकसान बदनीयती से नहीं हुआ जितना नुकसान बेनीयती से हुआ। हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं लेकिन हम उन कामों की कोई नीयत नहीं कर रहे होते। तो हमें, अगर हम अच्छी, अगर इस काम के लिए आज जो हम सेशन कर रहे हैं, हम पेरेंटिंग सीख रहे हैं, पेरेंटिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए अच्छी अच्छी नीयतें कर लेनी चाहिए, ताकि आज का हमारा ये घंटा जो है, जो हम टाइम दे रहे हैं, ये हमारे लिए तोशाए आखरत बन जाए। हम इस पे हशर में, महशर में, अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए ये फख्र बन जाए कि हमने 1 घंटा पेरेंटिंग सीखने पे लगाया था। तो एक और बात, जिस चीज को डिस्कस किया जाए, जिसके बारे में सुना जाए, बहरहाल वो चीज इंसान को, इंसान की कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में चली जाती है और इंसान उसके मुताबिक अमल करता है। तो हमें एक बहुत बड़ी नीयतें करनी है कि हमें मुस्लिम उम्मा के हर बच्चे के वक्त को कीमती बनाना है। इंशाल्लाह हम सबको अपने बच्चों के वक्त को कीमती बनाना है, इसलिए हम पेरेंटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों को अपने लिए सदका जारिया बनाना है। ये बच्चे हमारे लिए
तो शाय आखरत बन जाएं, हमारे लिए फ़ख्र बन जाएं, अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का ज़रिया बन जाए। और सबसे बड़ी नीयत, हमें अपने बच्चों को उस माँ की सरबुलंदी के लिए एडवांस स्किल्स मुजैन करना है। आज मुस्लिम उम्मा जिन हालात में हैं, आप बर्मा को देखें, कश्मीर को देखें, आप फलस्तीन को देखें, आप इराक को देखें, शाम को देखें, हम बहुत बड़े सवाल का शिकार हैं। और बातल कुफर जो हम पे जुल्म कर सकता है, उस पीक के जुल्म कर रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा की जो हालत है, इससे बस्ती की हालत ना कभी आई ना शायद कभी आएगी, तो हमें अपने बच्चों को मुस्लिम उम्मा की सरबुलंदी के लिए सिखाना है। हमें हर सब कुछ सिखाना है, उनको एडवांस से एडवांस स्किल सिखानी है, उनके उनको वक्त का पाबंद बनाना है, जो कुछ जिससे हमारा एक बच्चा कीमती बन सकता है और हम बातिल के मुकाबले में इनको खड़ा कर सकते हैं, हमें वो सब कुछ सिखाना है। पर ये नियत फरमा लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए इसको तोशा आखरत बनाएंगे। अपने पहले टारगेट की तरफ चलते हैं कि हमें देखना है कि पेरेंटिंग क्या है, व्हाट इज पेरेंटिंग, तरबियत करना किसे कहते हैं। उर्दू में पेरेंटिंग का इंग्लिश में लफज और उर्दू में ये हमारे यहाँ राइज है तरबियत के नाम से। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन तब देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन एंड प्रोवाइडिंग देम प्रोटेक्शन ट्रेनिंग मॉडल एज एन एग्जाम्पल एंड रिक्वायर्ड नीड्स इन ऑर्डर टू इंश्योर देयर हेल्दी डिवेलपमेंट इन टू एडल्टहुड। ये एक वर्ड्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे दिए जा रहे हैं। बहरहाल हमारे यहाँ तरबियत करने के लिए इसका अल्टरनेटिव वर्ड यूज होता है। अब तरबियत करने को जो मैं समझा, जो मैंने मुख्तलिफ जगहों से सुना, तो मैंने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि हम चाहते क्या हैं अपने बच्चों के लिए। मसलन हम में से हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड हो, मेरा बच्चा उसको ज़्यादा शर्माता ना हो, उसको जो करना है वो बड़ी बोल्डली वो कर ले। ठीक है, वह मेहमान आए तो उठकर सलाम करे, और कहीं पे स्पीच करनी हो तो स्पीच करे, कहीं पे अपना अजहार करना हो तो अजहार करे। तो ये इसको कॉन्फिडेंस की बहुत सारी डेफिनेशन है। और इसी तरह वेल करेक्टर हो, मतलब बाखलाक हो, उसका किरदार बेहतरीन हो, बेताग हो, गुनाहों से पाक हो, उसके अंदर अखलाकियात हो, छोटों का एहतराम, छोटों पर शफकत करना जानता हो, बड़ों का एहतराम करना जानता हो, खिदमत का जज्बा मौजूद हो, फरमाबरदारी का जज्बा मौजूद हो, झूठ ना बोलता हो। तो हम सब की बीइंग पेरेंट्स हमारी ये बहुत बड़ी ख्वाहिशें होती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंट भी हों और वेल करेक्टर भी हों। इसी तरह हमारी दूसरी बड़ी ख्वाहिश कि हमारे बच्चे क्रिएटिव हों, वो डल ना हों, वो सोचने समझने वाले हों, उनकी अपनी एक से हो, उनकी अपनी ओपिनियंस हो, वो स्किल्ड हो, उनको अंग्रेजी बेहतरीन पढ़नी आती हो, उनको फिजिक्स बेहतरीन आती हो, मैथमेटिक्स की उनकी स्किल बहुत अच्छी हो, वो अपने मसाइल को हल कर सकें, डिसीजन मेकर हो, इंडिपेंडेंट लर्नर हो, तो हम सब की ये ख्वाहिश है। इसी तरह वो डिसिप्लिन हो, ठीक है, अपने सुबह उठना किस वक्त है, रात सोना कब है, किस तरह से अपने आप को स्मार्ट बना के रखना है, खूबसूरत बना के रखना है, और सबसे बड़ी चीज़ कि उन्हें वो सेहतमंद हो, फिजिकली भी वो मजबूत। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ के, डेवलपमेंट के, चाइल्ड डेवलपमेंट के तीन फेजेस हैं, जिसको हम फिजिकल ग्रोथ भी कहते हैं, मेंटल ग्रोथ भी कहते हैं और इमोशनल ग्रोथ भी कहते हैं। बहरहाल मैंने इसके लिए आसान वर्ड्स यूज किए। तो मैं ये समझता हूँ कि असल में पेरेंटिंग ये है, अगर हम इन चीज़ों को, कॉन्फिडेंस को, किरदार को, बच्चों की स्किल्स को, क्रिएटिविटी को, उनके डिसिप्लिन को और उनकी हेल्थ को पीक पर ले जाते हैं, तो हम समझते हैं कि हम एक अच्छे पेरेंट्स हैं, हमारा पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल पॉजिटिव है। तो मेरी समझ में तो ये बात आती है कि हम ये वाली पेरेंटिंग की डेफिनेशन अगर करें तो हमारे यहाँ तरबियत में बहरहाल गालिब चीज़ जो है, हम जब भी तरबियत का जिक्र करते हैं तो हमारे यहाँ करदार साजी का नाम लफज हमारे सामने आता है और हमारे सामने अखलाक सामने आता है, हम लोग बहरहाल हमारे यहाँ जो गालिब है। लेकिन मुझे समझ आती है कि अगर हम तरबियत को एज ए होल देखें तो ये जो मैंने अभी तीन चीज़ें या छह चीज़ें आपके सामने रखी हैं, मेरे ख्याल में ये सारी की सारी एक पॉजिटिव पेरेंटिंग का
एक लाजमी पार्ट्स हैं। तो इन्हीं पे हम बात करेंगे कि हम किस तरह से हम इन चीज़ों को बच्चों के अंदर बेहतर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत डाले और हम इन सारी चीज़ों को समझ लें। तो उम्मीद है कि ये 6 चीज़ें आप लोगों के जहन में आ गई होंगी कि कॉन्फिडेंस, करदार साजी, क्रिएटिविटी, स्किल, डिसिप्लिन और हेल्थ, ये 6 चीज़ें हैं जिसको हम पेरेंटिंग कह रहे हैं। और भी डेफिनेशन हो सकती हैं, लेकिन हम इस सेशन में जो डिस्कस करेंगे पेरेंटिंग को, हम सारी बातें इन 6 चीज़ों के इर्द गिर्द करेंगे। तो आप इसको जहनों में प्लीज़ ज़रूर महफूज कर लें। और इसका एक तरीका महफूज करने का ये है कि आंखें बंद करके आप एक दफ़ा एलेबोरेटिव इसको प्रैक्टिस कर लें, इसको थोड़ा सा जहन में दोहरा लें, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो आगे की चीज़ें समझना आसान हो जाएंगी। अगर ये चीज़ें आपके जहन से महव हो गई तो पिछली चीज़ों के साथ तल्लुक को जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं कि हम देखें कि अच्छी और बुरी पेरेंटिंग के नताइज क्या है। जब तक अच्छी पेरेंटिंग का शौक हमारे अंदर पैदा नहीं होगा और बुरी पेरेंटिंग का खौफ हमारे दिलों में पैदा नहीं होगा, हम कभी भी अच्छी पेरेंटिंग की तरफ नहीं जाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि अच्छी पेरेंटिंग करेंगे तो क्या रिजल्ट है, बुरी पेरेंटिंग करेंगे या पेरेंटिंग करेंगे नहीं, तरबियत करेंगे ही नहीं, तो हमें नुकसान क्या होगा। जब तक ये चीज़, अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में बार बार हमें ये बताया कि अगर अच्छे काम करोगे तो जन्नत मिलेगी और अगर बुरे काम करोगे, गुनाहों में मुब्तला होगे, तो बहरहाल दोज़ख और अजाब और परेशानी आपका हक होगी। तो हमें भी देखना है कि अच्छी पेरेंटिंग हमें देगी क्या। हम में से बहुत सारे लोगों ने हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह का नाम सुना होगा। ये एक बहुत बड़े बुजुर्ग फिलोसफर गुजरे हैं जो कि 804 एडी में पैदा हुए और इनकी वफात 874, यानी कि 800, समझ लें कि इस वक्त हम 2020 में हैं और ये तकरीबन को 800 में हमारे पास आए, तो आप देख लें तकरीबन 1200 साल पहले। इनकी इम्पोर्टेंस तो आप यहाँ से देख लें कि आज 1200 साल बाद भी हजरत बायजीद बस्तामी हम सब के दिलों में हैं और हमारे सामने डिस्कस होते हैं। तो इनका, ये अरान के शहर बस्ताम में पैदा हुए। इनका मकाम ये है कि औलिया में इनका मकाम ऐसे है, बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे फरिश्तों में मकाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इतने बड़े बुजुर्ग हैं ये और इतने बड़े फिलोसोफर स्कॉलर हैं। इनकी पेरेंटिंग का मैं आपको वाकया बताता हूँ कि इनके वालिद की वफात हो गई जब ये छोटे से थे और इनकी वालदा को फिक्र हुई कि हमारे तो बहुत ज़्यादा मुआशरे के हालात ख़राब हैं, तो मैं अपने बच्चे की तरबियत कैसे करूं। अब तरबियत के मुख्तलिफ अंदाज हैं, अब वो अकेली माँ और एक ही बच्चा, बाप का साया सर पे नहीं है। उस औरत ने कुछ चीज़ें अपने बच्चे को समझाई, सिखाई और उसके बाद उस चीज़ को, इस चीज़ पे एग्री किया कि बेटे मैं तुम्हें तरबियत के लिए कहीं भेजना चाहती हूँ, किसी उस्ताद के पास भेजना चाहती हूँ किसी, तो ताकि तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत हो जाए और तुम दीन का काम करो, दुनिया के अंदर सरबुलंदी हो तुम्हारी, आखिरत में भी सरबुलंदी हो। तो कहते हैं कि इस खातून ने 16 साल अपने बेटे से जुदा रही और अपने बच्चे की तरबियत, महज अपने बच्चे की तरबियत के लिए, और उसके साथ का बुरा बुरा साथ देती रही, यहाँ तक कि 16 साल के बाद अल्लाह ताला ने इस बच्चे को कबूल फरमाया और इस बच्चे के वस्ताद को ये ख्वाब आया कि अल्लाह ताला ने इस बच्चे को वलायत कुबरा का झंडा दे दिया और दुनिया की भी अल्लाह ने अमामत दा फरमाई और आखिरत की भी अमामत दा फरमाई। देखें, आप देखें इस माँ की वो फिक्र थी कि मेरे बच्चे की तरबियत हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट फिक्र है कि मेरे बच्चे की बेहतरीन तरबियत हो जाए, मेरा बच्चा अच्छा अतमाद वाला भी बन जाए, मेरे बच्चे का किरदार भी बन जाए, मेरे बच्चे की स्किल्स भी डेवलप हो जाएं और मेरे बच्चे के, मेरा बच्चा सेहतमंद भी हो। याद रखिएगा, ये सब हमारी ख्वाहिशें हैं, ये हमारे मनसूबे नहीं हैं। ख्वाहिश वो होती है जो सिर्फ दिल में चाहत होती है, लेकिन हम उसके लिए कोई प्लान नहीं करते, कोई एक्शंस नहीं लेते, सिर्फ हम लोग ख्वाहिश कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, लोग कहते हैं, जो लोग सक्सेस पे जिन्होंने काम किया वो
कहते हैं ये रिसर्च कहती है, ये दुनिया के असूल हैं कि ख्वाहिशें कभी भी पूरी नहीं होती, बहुत कम पूरी होती हैं, हमेशा मनसूबे पूरे होते हैं। तो हमें भी चाहिए कि अगर हम बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं तो मनसूबा साजी करें और प्लानिंग करें। तो बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह की वालदा की तरबियत की फिक्र ने उनको बायजीद बना दिया। इसी तरह आप लोगों ने मशहूर मारूफ बुजुर्ग हजरत अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह के बारे में भी सुना होगा, जो कि आज से 1000 साल पहले, वो भी उनका तल्लक भी ईरान से ही है, और इन्हीं की वालदा की ही तरबियत का नतीजा था कि आपने उनका वो मशहूर वाक्या सुना हुआ है कि जब वो गुजर रहे थे और डाकुओं ने उस काफिले को लूट लिया और उस बच्चे से पूछा कि भी तुम्हारे पास क्या है, तो उसने कहा पैसे हैं। तो उन्होंने कहा कैसे, तुम तो छुपा सकते थे। उन्होंने कहा मेरी वालदा ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया और कहा कि हमेशा सच बोलो। तो देखें बच्चे की तरबियत की वजह से, वालदा की तरबियत की वजह से बच्चे ने झूठ भी ना बोला, अखलाक से भी मुज़य्यन हुआ और वो डाकुओं का पूरा ग्रोह जो है वो मुसलमान हुआ और अपने वक्त के बड़े बड़े इंसान बने। तो ये माँ की तरबियत थी। अब आप कहेंगे कि वालदा का ये जो तरबियत करना है कि बच्चा झूठ ना बोले, ये आसान है भाई? नहीं नहीं नहीं, ये आसान नहीं है। इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी मेहनतें हैं, बड़े प्लान हैं, बड़ा सब्र करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। आगे चल के हम इसकी बात भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह हमारे यहाँ एक, ये मेरी अपनी प्रैक्टिकल मिसाल है, अपना मेरा एनालिसिस है कि हमारी सोसाइटी में एक लड़का था तो वो बहुत ज़्यादा तंग करता था लोगों को, अपने ख़ानदान वालों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, लोग बहुत तंग थे, इवन के लोग रो पड़ते कि जितना वो तंग करता था। तो इसी तरह मेरे साथ एक दिन उनका जिक्र हुआ तो मैं अपने दिल में सोचा, क्योंकि मैं उनकी पूरी फैमिली से वाकिफ था, तो मैंने कहा ये कैसे ना तंग करें। मैंने सोचा कि इसके वालिद साहब का क्या रवैया था लोगों के साथ। मैंने उनके साथ जिक्र नहीं किया लेकिन मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि इसके वालिद ने इसकी क्या तरबियत की, क्योंकि तरबियत बहरहाल वालिद तरबियत का एक तो है कि आप खुद कुछ एक्शंस कर रहे हैं और कुछ तरबियत जो है वो खुद ब खुद हो रही होती है। जो वालदैन का रवैया होता है अमूमन वही, अब मैंने कहा कि इसका वालिद अगर 50% लोगों को तंग करता था तो यकीनन अब ये अगर 100% कर रहा है तो ये उसी तरबियत का नतीजा है। तो बहरहाल ये भी एक मामला है। अगर हम आज अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे या बुरी तरबियत कर रहे हैं और कल को वो लोगों को तंग ना करे, लोगों को परेशान ना करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक और वाक्य इसी तरह हमारे गाँव में था कि मैंने एक दिन सुना कि दोनों बेटे थे, उन्होंने अपने बाप को पकड़ के मारा, बहुत मारा। तो मुझे बड़ा आज भी वो वाक्या, मैं छोटा सा होता था जब मैंने ये वाक्या सुना और मैं सोचता था कि क्यों, लेकिन उस क्यों की वजह पीछे वाल की तरबियत ही थी वालदे, जो कि उनको बाद में भुगतना पड़ा। पिछले दिनों इसी सिलसिले में हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने एक वाक्या सुनाया कि बाप जो था वो बहुत बड़े इनकम टैक्स किसी महकमे में बहुत बड़ा अफसर था, तो अफसर था तो सारी ज़िंदगी जो भी तरबियत की, रिश्वत भी खाई या जो भी मामलात हुए, लेकिन जब वो मरने के करीब हुआ तो उसके तीनों बेटे किसी दूसरे कंट्रीज में थे और जब उस बंदे की वफ़ात हुई तो वो बेचारा, उसको कुछ दफन करने वाला नहीं था, हालांकि उसके वालिद जो थे वो बहुत बड़ी, बच्चे जो थे बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर थे और मुल्कों में थे, उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि मेरे वालिद की कफन दफन का हम इंतज़ाम करें और वापस आएँ। बहरहाल कुछ मजबूरी भी है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बाप सिसकता हुआ चला गया, पर यकीनन ये तरबियत ही है। अगर हम इसको तरबियत नहीं कहेंगे तो ये बहरहाल हमारे लिए इसमें चीज़ को समझना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह एक बच्चे का वाक्या है कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ता तो उस बच्चे के स्कूल में मुकाबला हो रहा था नात खानी का, तो नात खानी में एक बच्चे ने हिस्सा लिया, तो उस नात खानी में मुकाबला था कि एक शेर था, ये जो आप मशहूर मारूफ नात है, वो नबियों में रहमत नकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला। तो इस्लामियात के ये उर्दू के उस्ताद ने उस बच्चे को सिखाना शुरू किया कि भी आप नात पढ़ो, आप अच्छी पढ़ते हो ताकि आप मुकाबला जीतो। खैर वो बच्चा उस्ताद उसको पढ़ाता कि वो नबियों में रहमत नकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला।
तो ये आपसे सल्लम की तरफ इशारा था। तो बच्चा हमेशा ये पढ़ता, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले। खैर, मुकाबले का दिन आया, बच्चे ने उसी तरह नात पढ़ी, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, जिसकी वजह से जो इंचार्ज था उस कॉम्पिटिशन का, उसने बातें की कि उस्तादों को ये भी नहीं आता कि अपने बच्चों की सिलाई करवा दें। ये बच्चा असल लकब, असल शेर तो ये है कि वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, और बच्चा पढ़ रहा है लकब पाने वाले। खैर, ये बात गुजर गई, उस्ताद को अपने बच्चे पे बड़ा गुस्सा आया। कुछ 6 महीने साल बाद उस्ताद का दोबारा से उस क्लास में टाकरा हुआ, उसकी कोई सब्स्टिट्यूशन लगी या क्या हुआ, तो उसको फिर वो बच्चा याद आ गया। तो उसने, उस्ताद ने वैसे ही क्लास में पूछा कि भाई आप बताओ हमारे आखिरी नबी का क्या नाम है, तो उस बच्चे से पूछा, तो वो बच्चा खामोश रहा। उस्ताद को गुस्सा आया कि इसने पहले भी मुझे शर्मिंदा करवाया, आज फिर ये जान बूझ के ये मेरे साथ करता है। तो उसने बच्चे को खूब मारा कि बताओ मुझे, हालांकि इतनी बड़ी क्लास है, तुम्हें तो पता होगा कि आखिरी नबी का नाम क्या है। तो खैर, बच्चे ने मार खाई, जो भी हुआ। अब ब्रेक हुई, ब्रेक के बाद फिर उस्ताद का पीरियड, फिर बच्चे ने, उस्ताद ने बच्चे से पूछा कि भी बताओ, तो उसने, बच्चे ने फौरन बता दिया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चे ने, उस्ताद ने बच्चे से पूछा कि इतनी मार खाई तो पहले क्यों नहीं बताया, तो कहने लगा, अभी वो बच्चा फिर खामोश। फिर उस्ताद ने प्यार मोहब्बत से बाद में उससे पूछा, तो उसने कहा कि मेरे वालिद साहब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत मोहब्बत थी, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कभी भी बगैर वुज़ू के नहीं ले। तो वो वालिद जो थे वो अपने बच्चे को यही सिखाते गए और वही उसकी ज़िंदगी में आ गया। कहते हैं कि मेरा वुज़ू नहीं था, तो मैंने पहले वुज़ू करना मुनासिब समझा, फिर मैंने आपको अपने आखिरी नबी का नाम बताया। तो याद रखें, ये कुछ रवायात होती हैं, हकायात हैं या वाक़यात हैं, ये पेरेंटिंग है। उस बच्चे के दिल में कितनी नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा हुई उस अपने वालिद की वजह से। तो ये देखें, अच्छी तरबियत के अंजाम। अब ये वालिद माशर में कैसे कामयाब नहीं होगा, कैसे अल्लाह की बारगाह में सुरखरू नहीं होगा, ये वालिद किस तरह से इसको नबी अलैहिस्सलाम की शफात नहीं मिलेगी, यकीनन मिलेगी। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों की अच्छी तरबियत करें, और अखलाकी लेवल पर भी, किरदार के लिहाज से भी। आगे चलते हैं, इसी हमारा टारगेट है। हम देखते हैं दुनिया के अंदर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको अच्छा माहौल मिला, अच्छी पेरेंटिंग मिली, और उन्होंने दुनिया के अंदर बहुत सारी चेंजेस की, उन्होंने बहुत सारी रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आए। लेकिन याद रखिएगा, इसको खुदारा ये अज्यूम ना कीजिएगा कि ये तो गॉड गिफ्टेड हैं और ये तो, इनको तो फलाना एनवायरनमेंट मिला है। याद रखें, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। अगर हम ये एक्सक्यूजेज सोचते रहेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये मैंने चंद मसाले आपके सामने रखने लगा हूँ कि ये चीज़ भी मुमकिन है और ये बच्चों ने ही, बच्चे ही कर रहे हैं। आप इस बच्ची के बारे में जानते हैं, अरफा अब्दुल करीम रंधावा। मैंने तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि इस बच्ची ने 9 ईयर्स की, जब इसकी एज थी 9 साल थी या 10 साल थी, इसी एज में ये सर्टिफाइड, ये पहली सबसे कम सन सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट जो थी, सर्टिफिकेशन इसने ली माइक्रोसॉफ्ट की। ये बच्ची ही है। अब इस बच्ची के पीछे क्या है, अब आपको एक बड़ी तफसील है जो हम आगे बताएंगे, और हकायक पे मबनी है कि बच्चे के जहन किस तरह से खुलते हैं, बच्चे कैसे क्रिएटिव बनते हैं, और बच्चे कैसे, उनके अंदर इतना तमाद आता है कि इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में चले जाएं, और बच्चों की, तो ये चीज़ें आप इस बच्ची के जा रहे 9-10 साल की एज में ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफाइड थी। इस तरह ये जैक अंदर का ये बच्चा है। इस बच्चे के बारे में, इस बच्चे ने 15 ईयर्स, ये अमेरिकन इन्वेंटर है, और 15 साल की उम्र में इस बच्चे ने जो कैंसर के सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए एक सेंसर बनाया, ऐसा सेंसर बनाया जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद सेंसर से बहुत चीपर था। ये बच्चा है 15 साल का बच्चा जो इतनी बड़ी चेंज लेके आया। इसी तरह ये एक बच्ची है एन मैक्सिंस्की, ये बच्ची है। इसने, ये भी 16 साल की बच्ची थी, ये कैनेडियन स्टूडेंट है, और इस बच्ची ने हॉलो जो फ्लैश लाइट थी वो एक बनाई। इसको ये पता चला कि कोई एक मुल्क है वहाँ बच्चों के पास स्कूल में या रात में पढ़ने के लिए लाइट नहीं होती, तो इस बच्ची के दिल में ये बड़ी इंस्पिरेशन हुई। तो इस बच्ची ने
जो आपकी बॉडी हीट है, इंसान के अंदर बॉडी हीट होती है, इस बच्ची ने उस बॉडी हीट को लाइट में कन्वर्ट किया। ये बच्ची है 16 साल की, बहरहाल इसके पीछे क्रिएटिविटी है, हार्डवर्क है या जो भी है, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर आप गूगल करेंगे तो एन का नाम आपको मिलेगा। इसी तरह ये एलेक्स डीन्स एक बच्चा है, ये 12 साल की उम्र में इस बच्चे ने, इसने एक दिन रोड पे गुजर रहा था तो इसने देखा कि ब्लाइंड बेचारे जो थे उनको सड़क क्रॉस करने में बहुत दिक्कत पेश आ रही है, तो इस बच्चे ने एक I8 नेविगेशन डिवाइस बनाई जो कि ब्लाइंड्स को हेल्प करती थी। देखें ये भी 16 साल का, 12 साल का बल्कि बच्चा है, देखें कुछ ना कुछ तो एनवायरनमेंट मिल रहा है, इतनी क्रिएटिविटी, हार्डवर्क। अच्छा याद रखिए, जब क्रिएटिविटी होती है, हार्डवर्क होता है, जब इंसान एक तरफ चलता है तो अल्लाह ताला रास्ते खोलते जाते हैं। इसी तरह ये एक बच्ची है एन फ्रैंक, ये बच्ची मशहूर है कि ये एक इसकी किताब है द डायरी ऑफ अ गर्ल, यंग गर्ल। अब ये बच्ची डायरी लिखती थी और बाद में कोई इनकलाब आया, कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये बच्ची को कत्ल कर दिया गया 16-17 साल की उम्र में। तो ये इस बच्ची की जो डायरी थी ये बाद में इतनी पॉपुलर हुई कि पता नहीं, कोई कह रहे हैं कि 60 जबानों में, 60 या 16 जो लैंग्वेज में इस बच्ची की ट्रांसलेशन की गई इसकी डायरी की। अब बात सुने, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, इसका मतलब है कि बच्चे का जौक था, बच्चा लिखता रहा और उसने लोगों को इंस्पायर किया बाद में, तो ये बच्चे ही हैं। तो हमें ये देखना है कि ये बारह एनवायरनमेंट मिला, जो भी हुआ, गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज भी हैं बीच में। तो ये वो चीजें हैं जिसमें हमें समझना है कि हमें भी अपने बच्चों को, इनको एक विजन देना है, सोच देनी है, इनको एनवायरनमेंट देना है ताकि इनके अंदर डिसिप्लिन भी आए, इनकी ये क्रिएटिव भी बने और ये वेल करेक्टर भी बने और ये बच्चे जो है हेल्दी भी बने। तो हमें देखना है कि हम क्या करें। तो पहली चीज तो डिसीजन है कि हम डिसीजन करें कि हमने करना क्या है, हमने ये करना है। जब हम ये डिसीजन कर लेंगे तो याद रखिएगा अल्लाह की तरफ से नुसरत आती है, फैसला करते हैं। हाँ, फैसलों के अंदर अब हमने देखना है कि हमने अपना एक्शन प्लान बनाना है और उसके साथ साथ जो भी असबाब अख्तियार करें उसके बाद अल्लाह से दुआएं मांगनी है कि अल्लाह आप इन असबाब में बरकतें रहमतें डाल दीजिए और हमारे ये बच्चे जो हैं वो अच्छा फले फूले। आगे चलते हैं जी, देखिएगा जो हमारा तीसरा टारगेट है आज का, दैट इज द टू अंडरस्टैंड द फोर पेरेंटिंग स्टाइल्स, अथॉरिटेरियन, परमिसिव, अथॉरिटेटिव और अनइन्वॉल्व। ये थोड़ी सी इसकी रैंकिंग में प्रॉब्लम आ गई स्लाइड में। अथॉरिटेरियन के बाद अथॉरिटेटिव आता है और उसके बाद परमिसिव आता है और उसके बाद अनइन्वॉल्व आता है। ये चार पेरेंटिंग स्टाइल हैं इस वक्त, ये रिसर्च ने लाखों लोगों पर रिसर्च की गई, यूनिवर्सिटियों के अंदर रिसर्च की गई, मतलब ये किसी एक इंसान ने नहीं बनाई, ये बल्कि रिसर्च के नतीजे में ये हमारे सामने चीज आई कि लोग ज्यादातर पेरेंट्स जो हैं, बल्कि 100% पेरेंट्स या तो इनमें से कोई एक स्टाइल को फॉलो कर रहे होते हैं पेरेंटिंग स्टाइल को, या फिर ये सारे चारों पेरेंटिंग स्टाइल को मिलाकर अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं। अनइन्वॉल्व को तो आप साइड पे कर दें, लेकिन ये जो अथॉरिटेरियन है, परमिसिव है, अथॉरिटेटिव है, लोग, कुछ लोग तो इनको मिला के चला रहे होते हैं। पर एक बात ये भी है कि तो कोई एक पेरेंटिंग स्टाइल पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग के लिए एक सॉलिड सोल्यूशन नहीं है, ये भी जहन में रखिएगा। हाँ, अब उसमें हमें क्या करना है कि हमें सिचुएशनल, एक कॉन्सेप्ट है सिचुएशनल लीडरशिप, कि हमें बहरहाल इन पेरेंटिंग स्टाइल्स को सीख कर हमें आगे बढ़ना है और अपना एक मोस्ट पॉजिटिव जो एक पेरेंटिंग स्टाइल है वो चूज करना है। ठीक है, तो इसके हवाले से हम देखेंगे आगे कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, परमिसिव क्या है, अथॉरिटेटिव क्या है और अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल है वो क्या है। तो ये आपने काइंडली इन स्टाइल्स को आप लोग जरूर जेहन में बिठाएं ताकि हम आगे इस पे आगे चल के हमारा काम हो। टाइम बताइएगा, मोबाइल दे दें, टाइम दे। तो इसको हमने देखना है कि हम किस तरह से अपने इस अपने पेरेंटिंग स्टाइल को हम लोग पॉजिटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। आगे चलते हैं जी, अब
अथॉरिटेरियन पोस्ट क्या है, परमिसिव क्या है, अथॉरिटेटिव क्या है, अनइन्वॉल्व क्या है, इसको वन बाय वन हम समझेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा मैं आपको इनकी डेफिनेशंस की डेप्थ में जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनका कंपैरिजन बताता हूँ कि इस वक्त जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पेरेंटिंग है जिसमें नतायज बहुत अच्छे आ रहे हैं, बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी हो रही है, और वो जो छः की छः चीज़ें हमने शुरू में डिस्कस की थी कि बच्चा वेल करेक्टर भी हो और बच्चा कॉन्फिडेंट भी हो, स्किल्ड भी हो, क्रिएटिव भी हो और हेल्दी भी हो और डिसिप्लिन भी हो, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल का है। आप देखिएगा ये आपके सामने ब्लू जो लाइन है ये अथॉरिटेरियन की आ रही है, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अथॉरिटेटिव के आ रहे हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट हैं ये परमिसिव के आ रहे हैं, और जो बिल्कुल आ ही नहीं रहे रिजल्ट या बिल्कुल माइनर से रिजल्ट हैं वो अनइन्वॉल्व के हैं। बहरहाल एक बच्चा पैदा हुआ तो उसने कुछ ना कुछ तो करना है, चाहे वालदैन इन्वॉल्व हों या ना हों, कहीं ना कहीं तो बच्चा, लेकिन उसके रिजल्ट कोई पॉजिटिव सूरत में नहीं आते। ठीक है, असल में हम बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी की। इंसान ने रिजक कमाना है, इंसान ने जिंदगी को जीना है, वो तो बहरहाल अगर पेरेंट नहीं भी होंगे, बच्चा जंगल में भी चला जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें सीख लेगा और अपनी ज़िंदगी गुजार लेगा। असल बात है पॉजिटिविटी की, प्रोडक्टिविटी की, मुस्बत नतायज की, दुनिया आखिरत की कामयाबी, दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी। तो बहरहाल हम इसको देखते हैं, तो आप लोग अपने सामने एक ग्राफ है जहन में रखें कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मेजोरिटी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि पेरेंट्स इनको मिला के इस्तेमाल करते हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप पेरेंटिंग स्टाइल यूज होता है। तो बहरहाल जो लोग अथॉरिटेरियन वाले हैं वो कहीं ना कहीं गालिब है। अथॉरिटेरियन वो ना समझिएगा कि बरसने वाला, ये आगे आपको मैं दिखाता हूँ पिक्चर्स के अथॉरिटेरियन का मतलब क्या है। तो आप इस ग्राफ को ये जहन में जरूर रख लें, हमारे पास चार पेरेंटिंग स्टाइल हैं, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव और परमिसिव और अनइन्वॉल्व्ड। इन चारों को आप अपने जहन में रखिएगा। देखिएगा जी, पेरेंटिंग स्टाइल वही है अथॉरिटेरियन का। अगर आप थोड़ा सा इसको समझना चाहें तो वो कहते हैं कि अथॉरिटेरियन पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं बिकॉज आई सेड सो, तुम ये काम करो क्योंकि ये मैंने कहा है। ठीक है, तो ये है अथॉरिटेरियन। अच्छा जी, सॉरी, थोड़ी सी एक इसमें मिस्टेक हुई, अभी मुझे इसको देखते हुए समझ आई कि इसमें आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। सबसे जो अच्छे रिजल्ट हैं ये इसकी ग्राफ बनाते वक्त कहीं गड़बड़ हो गई है। सबसे अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो अथॉरिटेटिव के हैं, दूसरे नंबर पे अथॉरिटेरियन के। ठीक है, आप इसको जरा प्लीज अपने माइंड में इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं वो अथॉरिटेटिव के हैं और उसके दूसरे नंबर पे अथॉरिटेरियन के, ये प्लीज आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा इस ग्राफ को जहन में रखते हुए। तो अथॉरिटेरियन ये कहते हैं कि तुम ये काम करो क्योंकि मैंने ये कहा है, बिकॉज आई सेड सो। ठीक है, ठीक है, इनकी ये बच्चों से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते हैं और इनको जो बच्चों से सपोर्ट कम मिल रही होती है। वो कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, अब डॉक्टर बनने के लिए उस बच्चे को मोटिवेट करने की जो जरूरत है वो उसकी सपोर्ट वो नहीं दे रहे होते। कहते हैं या उसको सिलेक्शन, कहते हैं कामयाबी, तो वो बच्चों को सिलेक्शन की पावर नहीं दे रहे होते कि तुम इसमें से सिलेक्शन कर लो कि तुमने करना क्या है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या करना है। तो बहरहाल इसी तरह अथॉरिटेटिव जो दूसरा स्टाइल है जिसका मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छा रिजल्ट है, अथॉरिटेरियन का रिजल्ट दूसरे नंबर पे, वो है उनका अगर आप थोड़ा सा स्लोगन देखें तो दे सेड लेट्स टॉक अबाउट, आइए हम बात करते हैं, वो बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। तो इसका रिजल्ट इस वक्त सबसे पीक पे है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल होते हैं जो कुदरत ने रखे हैं, जो बच्चा जहां जा सकता है, तो जिस पेरेंट का स्टाइल अथॉरिटेटिव होगा तो वो जरूर जाता है। अच्छा, इस नाम से आप थोड़ा वो ना कीजिएगा कि अथॉरिटी का मतलब तो वही होता है, ये वो चीज नहीं है, लेकिन बहरहाल रिसर्चिस्ट ने जो भी नाम दे दिए वही नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। इसी तरह तीसरा स्टाइल परमिसिव है, वो कहते हैं ये लोग भी ठीक होते हैं, ये इनका स्टाइल ये, लेकिन ये बच्चों को बहुत ज्यादा अपने ऊपर डाल लेते हैं।
मतलब इनकी बच्चों के साथ स्पोर्ट बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बच्चा कहता है पापा मैंने आइसक्रीम खानी है, तो ये बगैर लॉजिक के कहते हैं चलो जी आइसक्रीम खाते। बच्चा कहता है मैंने 10,000 की गाड़ी लेनी है, 10,000 की गाड़ी ले देते हैं। बच्चा कहता है मतलब कोशिश करते हैं कि 100% बच्चे की चीजों को पूरा किया जाए, लेकिन इनकी बच्चों से एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये कहते हैं चलो जो मर्जी करो तुम, जो पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो। इनकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, मतलब बहुत थोड़ी एक्सपेक्टेशंस है। तो ये जो है ये परमिसिव है। और चौथे नंबर के जो पेरेंट्स हैं वो है अनइन्वॉल्व। मुझे क्या लगे भाई तुम्हारी जिंदगी है, जो मर्जी करो, खाओ पियो सो जो मर्जी करो, ना कोई एक्सपेक्टेशंस है इनकी और ना ही इनकी सपोर्ट है। तो आप लोगों के जहन में चार पेरेंटिंग स्टाइल आए होंगे। नंबर वन अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन कहते हैं कि मैंने कहा करो, क्योंकि करो इसलिए क्योंकि मैंने कहा। अथॉरिटेटिव कहते हैं कि ठीक है आइए हम बात करते हैं, डॉक्टर बनना मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। वो आर्गुमेंट करते हैं, वो डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ कि तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना चाहिए। तो परमिसिव जो है वो बस वो बच्चे की डिमांड्स पूरी करते हैं, लेकिन उनकी कोई लंबी चौड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। और अनइन्वॉल्व तो बिल्कुल भी इस चीज को लेते ही नहीं है। आगे चलते हैं जी, इन्हीं पेरेंटिंग स्टाइल को हम लोग थोड़ा सा पिक्चर्स के साथ समझते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, आपके ख्याल में ये कौन सा स्टाइल है? आप जरा प्लीज सोचिएगा कि ये कौन सा स्टाइल है, ये कौन सा स्टाइल है पेरेंटिंग का। तो यकीनन ये दोनों बच्चे और बाप आपस में डिस्कस कर रहे हैं और बहुत अच्छे मूड में हैं। तो ये मेरे ख्याल में तो ये अथॉरिटेटिव है, जिसमें बच्चे लेट्स टॉक, ठीक है, ये वाला। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को अथॉरिटेटिव स्टाइल जो है, अथॉरिटेटिव स्टाइल वो क्लियर हुआ होगा। यस, ये पिक्चर एक दफा फिर आपके एक पेरेंट के स्टाइल को शो कर रही है, दैट इज द अथॉरिटेरियन स्टाइल। देख ले मैंने कहा तुमने क्यों नहीं किया, आपके सामने है पिक्चर, देखिएगा। पहले वाले के ये पीछे जो हैं इसके रिजल्ट 100% हैं, और अगर हम इसकी बात करें तो इसके रिजल्ट कोई समझ लें कि 60-70% है। ये वाले पेरेंट स्मार्ट बच्चे पैदा करते हैं, क्रिएटिव बच्चे पैदा करते हैं, और इनके बच्चे दुनिया को लीड करते हैं। आप उठा लें हिस्ट्री को। हाँ देखें कई चीजें ऐसी हैं, अभी जो हमने 10-12 बच्चे देखे थे, वो बच्चों के अंदर आप देखें कि उन्होंने कुछ ना कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आए हैं, दुनिया के अंदर तब्दीलियां लेके आए हैं। तो ये वाले पेरेंट्स बहरहाल ऐसे बच्चे तैयार करते हैं और इन लोगों के लिए। और ये वाले बच्चे पेरेंट्स जो हैं, जो ये वाला स्टाइल है, इनके बच्चे भी कामयाब होते हैं, लेकिन ये हार्ड वर्कर बनते हैं, ये डिसिप्लिन बनते हैं, स्मार्ट नहीं बनते। अमूमन ये मैं 100% बात नहीं कर रहा, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ज्यादा जो चाहे। देखिए जनरल रूल में ये वाले बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, तकरीबन 97% बच्चे हार्ड वर्कर बनेंगे, कुछ ना कुछ अचीवमेंट कर लेंगे अपनी जात के लिए। वो कभी भी मुआशरे को कोई लंबा चौड़ा बहुत ज्यादा फायदा नहीं देंगे। और ये वाले बच्चे जिद्दी भी बनते हैं, और ये वाले बच्चों का बहरहाल अखलाक बहुत अच्छा नहीं होता, इनकी जिंदगी में विजन नहीं होता, बहुत लंबी चौड़ी सोचे नहीं होती। जबकि ये वाला जो स्टाइल है ये विजन क्रिएट करता है, इंसानियत के साथ मोहब्बत पैदा करता है। इस तरह के पेरेंट्स जो होते हैं, इनके बच्चे बहरहाल वैल्यूज को फॉलो कर रहे होते हैं, अच्छी वैल्यूज को फॉलो कर रहे होते हैं। पिछले दिनों एक हमारी रिसर्च हम डिस्कस कर रहे थे कि वैल्यूज का हमारी जिंदगी में क्या किरदार है। तो मैं एक बात कह रहा था कि जिस इंसान के अंदर जो वैल्यू हो गई, वो अगर अपनी वैल्यू के मुताबिक जिंदगी में अमल कर रहा होगा तो वो खुश इंसान होगा, और अगर अच्छी वैल्यू, और अगर वैल्यू के अगेंस्ट करता है तो वो ना उसको खुशी मिलेगी ना कामयाबी मिलेगी। अच्छा वैल्यूज हमारे जहनों में कैसे सेट होती हैं, ये है वो वैल्यूज सेट करने का तरीका, ठीक है। अगर आप बच्चे के साथ अथॉरिटेरियन अथॉरिटेटिव स्टाइल से बात कर रहे हैं, अच्छी वैल्यू सेट होंगी उसके दिमाग में, मोहब्बत, शफकत, रहमदिली, ईमानदारी की वैल्यू सेट होगी। और अगर इस स्टाइल पे आएंगे तो याद रखिएगा ज्यादा गुमान यही है कि अच्छी वैल्यू सेट नहीं होगी। कल को हम कहें कि मेरा बच्चा जो है वो बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो तो उसको तो परवाह ही नहीं है, ठीक है, उसके तो दिमाग में
कोई बुरा काम करना को उसके लिए मसला ही नहीं है। इवन वो अपनी मौत को भी देख लेगा सामने तो वो फिर भी अच्छी वैल्यू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बहरहाल उसको गलत तरीके से डील किया गया। तो ये अथॉरिटेरियन स्टाइल है, बहरहाल दुनिया में इसको कामयाबी मिलती है, बच्चे अनहैप्पी होते हैं। कल को ये मैंने जो अभी बात बताई थी कि एक तो पेरेंटिंग ना करने का नतीजा, और दूसरा पेरेंटिंग अगर नहीं कर भी रहे हैं तो स्टाइल ये है तो ये बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे, इनको कोई लंबा चौड़ा आपके साथ मसला नहीं होगा। ये जी थर्ड पिक्चर, ये क्या पिक्चर शो कर रही है, कौन से पेरेंटिंग स्टाइल को शो कर रही है? ये बच्चा खड़ा है, बाप कानों को हाथ लगा रहे, यू आर माई इन चार्ज, परमिसिव स्टाइलिंग पेरेंटिंग स्टाइल, यू आर माई इन चार्ज। तो दिस इज परमिसिव, बच्चे ने, बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी हो रही है लेकिन पेरेंट की ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये बात अब भी बने, ठीक है। तो बहरहाल ये जो है ये स्टाइल भी बहुत डेंजरस है वालदैन के लिए, अपने लिए भी और बच्चों की कामयाबी के लिए भी। अमूमन ये बच्चे, ऐसे बच्चे बदतमीज हो जाते हैं और इनकी जिंदगी में कोई ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज नहीं होती। परमिसिव जी, दिस इज, ये कौन सा स्टाइल है? बच्चे पेरेंट को ऑफिस में काम मिला हुआ है या वो SMS चेक कर रहा है या जो भी कर रहा है, बच्चा खींच रहा है और पेरेंट जो है वो अपनी उसमें लगा हुआ है, तो यकीनन आपके जेहन में कौन सा स्टाइल आया जी, आपके जेहन में कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल आया जी? आप लोग खुद से देखें, मेरा ख्याल है अगर आप लोग उसमें चैट रूम में उसमें जरूर लिखिएगा कि पहली आप लोग अपनी चीज को रिवाइज कर लें कि आप लोगों के जहनों में जब पहली तस्वीर देखी थी तो कौन सा स्टाइल आया था, दूसरी पे कौन सा आया, तीसरी पे कौन सा आया, और ये चौथी पे देखें कौन सा स्टाइल है, दैट इज अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स। इसके लिए मेरा बड़ा दिल था कि मैं कुछ 10-15 तस्वीरें लगाऊं, लेकिन वो कुछ ना कुछ हमारी उसमें थी मामलात कि जी वो जब मैं लोड कर रहा था तस्वीरें तो उसमें लेडीज की भी थी और वो मुनासिब नहीं लग रही थी। तो बहरहाल इसमें बड़ा दिल था कि ये चूज, ये इस चीज को तो एक घंटा अकेले इसको देना चाहिए कि अनइन्वॉल्व पेरेंट्स कौन से। ये देखें बाप, ये देखें आप लोग, अनइन्वॉल्व पेरेंट्स, कोई परवाह नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोगों के जहन में पेरेंटिंग स्टाइल्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। बाप जो है, माँ जो है, अपने अपने काम में लगी हुई है, बच्चे लड़ रहे हैं, बच्चा पुकारी जा रहा है बाबा आपके साथ बैठना है, आपके साथ जाना है, लेकिन कोई परवाह नहीं है, अपने काम से मतलब है, अपनी एंटरटेनमेंट से मतलब है, अपनी दोस्तियों से मतलब है। बहरहाल अनइन्वॉल्व पेरेंट्स हैं, इनका बस ब्राय फिजिकल तल्लक है, बाकी कोई ऐसी पेरेंटिंग में रोल नहीं है। उम्मीद है कि सब साथियों को पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि सिर्फ एक मिनट के लिए आप लोग, हमारे 3 टारगेट्स हमारे पूरे हुए हैं, पेरेंटिंग क्या है, रिजल्ट्स क्या है और पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या है। तो एक मिनट के लिए जरा इन चीजों को आप लोग सोच लें, तो रिवाइज कर लें अपने जेनों में, तो फिर हम आगे जा रहे हैं। आगे क्रक्स आ रहा है हमारे पास कि असल में हमने पेरेंटिंग करनी कैसे। जी हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ से, जो कि हमारा तीसरा टारगेट है आज का, दैट इज के स्मार्ट पेरेंटिंग मेथड्स क्या है, कॉन्फिडेंट और वेल करेक्टर चिल्ड्रन किस तरह से बनेंगे, उसके लिए हमें कुछ चीजें, अच्छा इसमें कुछ चीजें तो डॉन्ट्स हैं और कुछ डूज हैं पेरेंट्स के लिए, तो हमें देखना है कि हम ये चीजें किस तरह से इनको लेके चले। याद रखिएगा जो मैंने शुरू में बात की थी कि पौधों की निगहदाश्त के लिए चंद असूल हो सकते हैं, लेकिन बच्चे की तरबियत के लिए इन असूलों को आप करोड़ों से ज़र्ब दे दें तो फिर ये असूल निकले। इनमें से एक बात तो जहन में रखें कि बच्चा जब 7 साल की उम्र तक बच्चा अपने 95% जिंदगी के आने वाले कामों की उसके अंदर रिकॉर्डिंग हो चुकी होती है, जो कुछ वो 7 साल की उम्र तक देख रहा होता है वो सब कुछ समझ लें कि उसने 95% ये तय कर लिया होता है कि मुझे ये काम ये करने है, लेकिन वो आपको बता नहीं रहा होता, वो सब कुछ उसकी शऊर में जा रहा है। तो एक तो ये बात जहन में रखें, इसलिए जो छोटे बच्चे हैं उनको मामूली ना जाने और उनको शुरू से ही एक अडल्ट के तौर पर लें,
उनकी इज्जत करें, उनके साथ सही बिहेवियर रखें, उनके सामने कुछ भी गलत ना शो करें। इसी तरह ये बच्चे समझ लें, आपके घर में बच्चा आ गया तो आपके कमरे में या आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लग गया, अब सब कुछ रिकॉर्ड होगा और सब कुछ उस बंदे की जिंदगी में आगे जरूर आएगा। अगर वो आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, चीखना चलाना कर रहे हैं, तो ये वाली चीजें आपने बच्चे की 7 साल की उम्र तक उसकी वैल्यू बना दी। आप यकीन करें, इसमें मेरा बहुत अच्छा एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन है कि आप गौर कर, आप देख लें, अगर आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप बच्चा जो होता है वो 97% अपनी आदत में, वैल्यूज में वो है अपने पेरेंट्स में होता है, तो आप उसको चेक कर लें। इसी तरह अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट भी हो और वेल करेक्टर भी हो, तो उसके लिए आप अपने बच्चों को आज से ये फैसला करें कि हमने अपने बच्चों को चॉइसेस देनी। हम लोग अक्सर बच्चे के ऊपर डिक्टेटर बन रहे होते हैं, हम लोग वो बच्चा को खरीदारी करने जा रहा है, खुदा रहा उस बच्चे को अपनी खरीदारी करने दें। उस वक्त ये ना कहें नहीं बेटे ये अच्छा है ये अच्छा है, हाँ अगर वो आपसे पूछता है कि मामा या बाबा बताएं क्या है अच्छा, तो उस वक्त आप उसको मशवरा दे दें। अगर आपको रंग ब्लू पसंद है और बच्चा रेड पहनना चाहता है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चॉइस दे दें, उसको फैसला करने दें, खुद फैसला करने, कुछ भी नहीं होगा, आपका बच्चा है, आपको प्यारा ही लगेगा, वो माँ और बाप ही क्या जिसको बच्चा हर हाल में प्यारा ना लगे। तो इसको एक तो आज से आप लोग अगर ये चाहते हैं कि आपके बच्चे में एतमाद आए, तो आप उस बच्चे को चॉइसेस देना शुरू कर दें। हाँ अगर आप ये समझते हैं कि बच्चा जो है कोई बहुत गलत काम कर रहा है, अब प्लीज अब भी अथॉरिटी ना बने उसके पास, उसको डिक्टेटर ना बने, बल्कि उसके साथ आर्गुमेंट करें, टाइम निकालें, ये नहीं है कि एक दफा दबका मार के या मार धुराई करके जान छुड़ा लें, उसके साथ आर्गुमेंट करें कि बेटे ये गलत, और आर्गुमेंट में बाद में आप ये साबित कर दें कि अगर माँ आर्गुमेंट कर रही है उसको बता दें कि तुम्हारा अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो तुम्हारा बाप है, वही फैसला करेगा। तो बहरहाल उसके साथ आर्गुमेंट होनी चाहिए, इस सूरत में आपका बच्चा कॉन्फिडेंट बच्चा बनेगा। तो इस ये देखें ये बातें बहुत मुश्किल है, बड़ा सब्र करना पड़ेगा, आप तो एक मिनट हम नहीं लगाते जूता पकड़ लेते हैं और मार लड़ाई शुरू हो जाती है और गालम गलोच ये वो, तो आपको आर्गुमेंट पे बच्चों को लाना होगा। उन बच्चों को खानों में चॉइस दें, बच्चा कहता है जी मैंने जो है वो उसका मुर्गी का गोश्त खाना है, और आप कह रहे हैं कि जी तुमने तो खाना ही बकरे का गोश्त है फला फला फला, तो ये थोड़ा सा, बच्चा कहता है जी मैंने अगली सीट पे बैठना है, अगर चांस है तो उसको अगली सीट पे बैठाएं। इसी तरह कपड़ों में, खानों में, इससे होगा क्या, आपके बच्चे के अंदर एतमाद आएगा, वो उसको पता लग जाएगा कि मैंने ये फैसला किया था तो ये गलत है, मैंने रेड सूट लिया है तो रेड सूट तो मुझे जट ही नहीं रहा, अब वो अगर आपकी फैसले की वजह से उसने रेड सूट लिया होगा तो ये बात कभी भी वो नहीं सोचेगा कि मेरे ऊपर मुझे तो रेड सूट नहीं जच रहा। तो इसलिए बच्चे को चॉइसेस दें, आप बच्चे को शुरू से ही इंडिविजुअल तौर पे लें और बच्चे के साथ इज्जत वाला मामला करें, बच्चे को वकार दें, उसको इज्जत दें। हम देखते हैं कि हम बच्चे के साथ अगर वकार वाला मामला करेंगे तो हमारे साथ नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें बच्चों की तरबियत और पेरेंटिंग के क्या खूबसूरत असूल मिलते हैं कि हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में 10 साल रहा, लेकिन इन 10 सालों में ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी झिड़का, ना कभी मुझे मारा, ना कभी ताने दिए। क्या मतलब है 10 साल एक बच्चा रहा तो कभी नौबत नहीं आई होगी कि बच्चे को डांटना ना पड़ा हो, झिड़कना नहीं, नौबतें आई होंगी, वहां पर करदार है, वहां पर सबर है, वहां पर तहम्मल है, आप ने कई मौकों पर तहम्मल किया होगा। हजरत फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते हैं कि एक दफा हुज्जतुल वदा के मौके पर आप की सवारी की बैक साइड पे बैठे हुए थे, पीछे बैठे हुए थे, रास्ते में कहीं से गुजर हुआ तो कुछ यंग लड़कियां खड़ी थी, जवान लड़कियां खड़ी थी, तो ये हजरत फजल बिन अब्बास जो थे ये भी बहरहाल बुलूगत को पहुंच चुके थे। तो हजरत अब हजरत फजल बिन अब्बास का रुख उन लड़कियों की तरफ हुआ, क्या मतलब, क्या अनकॉन्शियसली हुआ, आप ने झड़का नहीं बल्कि हजरत फजल बिन अब्बास के सर मुबारक को पकड़ा और उसका रुख जो है वहां से फेर दिया और बड़ी शफकत के साथ और कुछ भी नहीं था। इसी तरह हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मेरी वालदा उम्मे सलीम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अंगूरों का एक गुच्छा दिया और कहा कि जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दें,
तो मैं रस्ते में देखा, छोटा सा बच्चा था, तो देखा कि चेक तो करूं कि खजूरों का गुच्छा कैसा है, तो मैंने एक खाया, दूसरा खाया, तीसरा, खाते खाते आप सल्लम तक पहुंचते वक्त मेरा जो था वो गुच्छा अंगूरों का खत्म हो गया। तो अब वहां से मैं वापस आ गया और ना वालदा को बताया ना आप सल्लम को बताया, बच्चा था। कहते हैं कुछ देर बाद हजरत उम्मे सलमा उम्मे सलीम रजी अल्लाह तआला अन्हा की मुलाकात आप सल्लम से हुई, तो आप सल्लम से पूछा कि भी मैंने अंगूरों का गुच्छा भेजा था तो कैसा था, तो आप सल्लम को पता चल गया। तो फिर अब जब चली गई तो अनस को आप सल्लम ने बुलाया और आप सल्लम ने उनके दोनों कान पकड़ के कहा निकाल मेरा गुच्छा कहाँ है। तो तरबियत का अंदाज देखें, मतलब सब्र किया, उसको ताना नहीं दिया, उसकी वालदा को भी नहीं बताया। देखें इस्लाह करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। अब वो बच्चा जो वो आप सल्लम भी मुस्कुराए और हजरत फजल बिन जो थे हजरत अनस भी मुस्कुराए, लेकिन आप सल्लम अक्सर उनको कहते मेरा गुच्छा दो भी, ऐसे ही दे दिया कि ये काम गलत है, लेकिन तरबियत का अंदाज देखें। इसी तरह यकीन के बहुत सारी मिसालें मैंने और भी लिखी हुई आपसे सल्लम के तरीके तरबियत की, लेकिन बहरहाल अभी चूंकि वक्त नहीं है तो उसको हम इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट बने, अच्छे किरदार वाला बने, तो अगर वो आपसे इख्तलाफ करे, जिस दिन बच्चा आपके साथ इख्तलाफ करना शुरू कर दे उस दिन लड्डू बांटे। अब ये बच्चा अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है तो खुदा रहा उसके इख्तलाफ के साथ उसके साथ आर्गुमेंट करें, उसको डांटे नहीं, आर्गुमेंट करके उससे जीतें। हाँ, एक वक्त और भी याद रखें, एक वक्त आना है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि एक वक्त आना ही आना है जब उसने आपकी नाफरमानी करनी है कुछ देर के लिए। अगर आपने उस वक्त को बर्दाश्त कर लिया तो समझ लें ये बच्चा आपका है, आपने उसका ट्रस्ट विन कर लिया। थोड़ी देर बाद ये वक्त गुजर जाना है, फिर आपका ये बच्चा आपका होगा और आपके कहे पे चलेगा, लेकिन उस वक्त आपने अना का मसला बना लिया, हाँ हाँ ये बच्चा मेरी क्यों नहीं बात मान रहा, तो समझ लें ये बड़ा नाजुक वक्त है, इसको आपको पहचानना होगा। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट हो तो उसका कंपेरिजन दूसरों से ना करें। इसी तरह आप बच्चे के साथ बच्चे के अंदर जो है वो ये चीज ना लेके आए कि जी अगर तुम 99% नंबर ले 90% मार्क्स लोगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगी या करूंगा, तो ये चीज भी बच्चे के यहाँ बिगाड़ का जरिया बनती है। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बता करके हम इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ये बहुत वसी टॉपिक है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के सामने कुछ चीजें रख दूं, आप इसको बेशक नोट करें। मेरे अपनी फैमिली का वाक्य है कि जब इंसान, एक बात तो ये है कि किरदार साजी, ठीक है, एक बंदा अपने इसमें एक बहुत बड़ा रोल कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा वेल करेक्टर बने तो आप अपने वालदैन की इज्जत करना शुरू कर दें। आप अपने वालदैन की इज्जत करना शुरू करें तो किरदार तो मुझे नहीं पता किस हद तक मिलेगा, लेकिन दो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी अगर आपने अपने वालदैन की कदर करनी शुरू की। एक तो आपके ऊपर दुनिया का माल खुल जाएगा, दुनिया के माल की फरावानी होगी, और दूसरी बात आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार होगी। ये मेरे से लिखवा के रख लें, नोट कर लें। हमारी फैमिली में मेरी अम्मी की जो फैमिली है, जो हमारे मामू लोग हैं, उनकी फैमिली के अंदर अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत ज़्यादा इज्जत है। और उनमें से हमारे एक मामू हैं जो कि मलक अयूब साहब, तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं आपको उनका आंखों देखा वाकया बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया कि मामू अयूब जो हैं वो चूँकि अपने माँ बाप की, बाकी मामू भी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप की इज्जत पे बहुत आगे थे। क्योंकि मैं जब लाहौर में पढ़ता था तो मैं उनकी घर में रहता था मामू के पास, तो मैंने उनको ऑब्जर्व किया, उस वक्त की ये ऑब्जर्वेशन है 22-25-30 साल। तो मामू रात को थके हुए आते और हमारी नानी अम्मा जो उनकी वालदा थी वो कहती कि मुझे अभी गाँव जाना है। अब यकीन करें मैंने कभी नहीं देखा था कि मामू अजहार भी करें कि मैं थका हुआ, और मामू कहते चलो अम्मी बैठे, और अम्मी हमारी नानी अम्मा को वो ले जाते और गांव छोड़ के आते। कम से कम 2-2.5 घंटे 3 घंटे आना जाना होता उनके पास, उस वक्त उनके पास छोटी सी गाड़ी होती थी। और इसी तरह मैं देखता कि वो अपनी वालदा को शाम को आते तो खुद फल काट काट कर देते, उनके पास बैठते, हालांकि बड़े मसरूफ थे उनके पास बैठते उनका। इसी तरह हमारे नाना जान के साथ भी वो करते, ड्यूटियां लगाई हुई थी, हालांकि बाद में हम नाना जी बीमार हुए तो उन्होंने बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे वो, तो रात को आके उनकी ड्यूटी देते, बाकी मामू भी देते, हमारी भी ड्यूटियां लगी हुई थी।
उसका नतीजा मैंने देखा कि इमाम अय्यूब ने अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी माली मामलात में बहुत ज्यादा तरक्की, बहुत ज्यादा। तो ये एक तरीका ये भी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो हैं या आपके बच्चे जो हैं वो माल और मता में दुनिया में कामयाब हों, कॉन्फिडेंट हों, ये तो आप अपने वालदैन की इज्जत करना शुरू कर दें और उनके लिए दुआओं में उनको याद रखें। तो इसमें बेशुमार चीज़ें हैं इस टॉपिक में, लेकिन इसका क्रक्स बताऊं कि अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट और किरदार, उनका अच्छा किरदार बनाना चाहते हैं तो दो काम करें, सिर्फ दो फिलहाल। एक तो ये है कि उनका ट्रस्ट विन करें, अपना स्टाइल अथॉरिटेटिव बनाएं, बर्दाश्त करें, ठीक है। और दूसरी बात, अपने आप को रोल मॉडल बनाएं। तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये वाली अचीवमेंट लाजमी हो। ये देखिएगा, मैंने ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट बच्चा और किरदार का बच्चा बनाने के लिए ये तस्वीर इसकी अकासी करती। देखिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया अपनी औलाद की इज्जत करो, इज्जत करोगे तो आपका बच्चा ये बन, इज्जत करो। ये नबी अलैहिस्सलाम इब्ने माजा की हदीस है। हम में से ये कोई बंदा कहे लो जी आप छोटे छोटों की इज्जत करें, नहीं नहीं, यकीन करें जो नबी ने फरमा दिया पेरेंटिंग फिर वैसे ही होगी। हम में कहे नहीं नहीं हम तो बड़े हैं, नहीं, इज्जत करें। आप सल्लम फरमा रहे हैं कि इज्जत करो, तो किस तरह से आपकी अचीवमेंट होगी? इसके अलावा आपकी अचीवमेंट नहीं हो सकती, पेरेंटिंग का हक अदा नहीं कर सकती। तो इसी तरह ये हमारा इसके हवाले से आगे चलते हैं। दूसरा हमारा स्मार्ट पेरेंटिंग में क्रिएटिव और स्किल्ड चिल्ड्रन। तो देखिएगा, अगर हमने अपने बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, स्किल्ड चिल्ड्रन बनाना है, तो हमें कुछ काम करने होंगे। इसके हवाले से कुछ चीज़ें मैंने बहुत इसमें मटेरियल है, इतना मटेरियल है, जब मैंने इसमें रिसर्च किया बहुत कुछ है, ये मैंने बीच में से आपको निकाल के दे रहा हूँ। तो उसमें आप ट्रस्ट विन करें और अपने बच्चे को इज्जत दें और रोल मॉडल बने, आपका बच्चा कॉन्फिडेंट भी होगा। और मेरे पास अक्सर माएँ आती हैं, क्योंकि हम उस्ताद भी हैं, टीचर भी हैं, तो कहते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर अतमाद नहीं है। इसके अंदर अतमाद नहीं है, अतमाद पैदा करें। कैसे अतमाद पैदा होगा? तुम तो उसको सारा दिन गुलाम बना के रखती हो, उसको बर्तन भी अपनी मर्जी से नहीं उठाने देती, तो जूता भी अपनी मर्जी से नहीं पहने बनाने देती, और कहती हो कि कॉन्फिडेंस आए। इम्पॉसिबल, नामुमकिन है कॉन्फिडेंस आए। तो ये हमें करना पड़ेगा। क्रिएटिव एंड स्किल्ड चिल्ड्रन में आप देखें कि मैंने कुछ चीजें जल्दी जल्दी करते हैं ताकि इसमें, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला इनमें से कुछ चीजें भी आप अडॉप्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा। एक तो चीज है, मेक देम कोलैबोरेटिव रादर कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स का मतलब है वो अब्दुल्ला तुम्हें फ्लां क्लास में अपने बच्चे से जीतना है, वो इस दफा उसने 70% लिया है तो तुम 100% लो। नहीं, प्लीज बच्चों के अंदर कंपटीशन ना पैदा कराए, कोलैबोरेटिव बनाए उनको। कोलैबोरेटिव का क्या मतलब है? बेटे आपने 90% नंबर लेने हैं, इससे गरज नहीं है कौन कितने ले रहा है, आप बच्चे को उसकी स्टैंडर्ड के साथ रेस लगाएं। किसके साथ? स्टैंडर्ड के साथ रेस लगाएं। यकीन करें ये बच्चा रशक, कोलैबोरेटिव बच्चा रशक करना सीखेगा, कॉम्पिटिटर बच्चा हसद करना सीखेगा। ये बच्चा कभी भी जिंदगी में एक अच्छा शहरी नहीं बनेगा, कभी भी एक अच्छा मुसलमान नहीं बनेगा, कभी भी एक अच्छा बेटा या बेटी नहीं बनेगा। तो खुदारा अपने बच्चों का, अपने हाथों से इनका बेड़ा गर्क ना करें, उनको कॉम्पिटिटर ना बने। दूसरी बात, ये बहुत बड़ी बात है भी, डील देम एज पर देयर कैटेगरी। मैं हजरत फीजुल फारिम साहब की बुक था, मेरी लाइब्रेरी में वो किताब 5 साल से पड़ी हुई है, मैंने आज पढ़ी। मैं कहता था मैं कैसा पेरेंट हूँ, इतनी मायनाज किताब मेरी घर में पड़ी हुई है और उसको मैंने, हजरत ने कोई पता नहीं कितने मुल्कों के रिसर्च पेपर, यूनिवर्सिटियों के रिसर्च पेपर मंगवाकर कोई 30 के करीब इंटरनेशनल हाई प्राइस जो सबसे ज्यादा सेलिंग होने वाली बुक्स हैं उनको लेकर एक किताब निकाली और वो औलाद की तरबियत पर, मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसमें हजरत ने कैटेगरीज बताई कि बच्चों की पूरी दुनिया के 4 कैटेगरीज हैं। जिस तरह हमने कहा था 4 पेरेंट्स के स्टाइल्स की कैटेगरी है, इसी तरह बच्चों की भी 4 कैटेगरीज हैं। कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं, कुछ सेंसिटिव होते हैं। वो कहते हैं कि आप अगर अच्छी पेरेंटिंग करना चाहते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हैं, उनको स्किल्ड बनाना चाहते हैं, क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, आपको उनकी कैटेगरी के मुताबिक डील करना पड़ेगा आपको। अब वो कैटेगरी यहां मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता,
बहरहाल वो किताब हम आपको शेयर करेंगे आपके साथ, वो आप उसको देख लीजिएगा। तो कैटेगरी के मुताबिक और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर बनाए, जो मैंने अभी बताया कि चॉइसेस दें, उनको डिसीजन मेकिंग करना सिखाएं, क्रिएटिव हो जाएंगे। हर मामले में डिसीजन मेकिंग करना सिखाएं, उनसे मशवरे लिया करें, कंसल्ट किया करें। बेशक मर्जी आपने अपनी करनी है, मशवरे करें, कंसल्ट करें, नए नए रास्ते निकलेंगे, बच्चे की जहन साजी होगी, बच्चे का जहन खुलेगा। हर वक्त अपने फैसले मसलत ना करें उसको डिसीजन। इसी तरह एक और बड़ी अहम चीज़ है, वो है हजरत की किताब में ये जो मौलाना ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब की बुक है, ये है इसी किताब के अंदर हजरत ने मेंटल स्टेजेस, मेंटल ग्रोथ की 11 स्टेजेस बताई हैं। उफ, मैं जब इसको स्टडी कर रहा था तो मैं कह रहा था जो बंदा, जिस माँ को इन मेंटल स्टेजेस का नहीं पता उसका बच्चा कभी क्रिएटिव नहीं बना। हाँ, कुदरती तौर पर कुछ बंदों के अंदर विजडम होती है, तो हमें इन मेंटल 11 स्टेजेस को भी समझना है, वो भी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे इस सेशन के बाद ग्रुप में। तो क्रिएटिव और स्किल्ड बनाने के लिए हमें ये चंद चीज़ें हैं जो करनी है। हमें बच्चों की कैटेगरी के मुताबिक डील करना है, कॉम्पिटेटर नहीं बनाना, और उनको डिसीजन मेकर बनाना है, और कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि आगे चल के आपसे डिस्कस करेंगे। क्रिएटिव के लिए देखें, एक मैं बेशक हम लोग स्कूल वाले हैं, हम स्कूल चलाते हैं, हम लोग उस्ताद हैं, टीचर हैं, लेकिन हमारे एजुकेशनल सिस्टम का हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी को डेवलप करने का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार। क्यों? मैंने आपको बहुत सारी मिसालें अभी वेस्ट की दी हैं, कोई अमेरिका की है, कोई कैनेडा की है, कोई फिनलैंड की है। क्यों? बुनियादी तौर पे हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम पे काम करना होगा। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसी लॉकडाउन में हमारी टीम ने, हम लोगों ने बहुत इस पर रिसर्च की है। हम लोग इंशाल्लाह पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि हम अपने बच्चे को कैसे अच्छा लर्नर बना सकते हैं। बहरहाल चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर क्रिएटिव बनाना है तो अपने फार्मूला बना लें कि हमने अपने बच्चों के साथ सिर्फ सैर के लिए नहीं जाना, बल्कि उनको एक्सपोजर देने के लिए हमें डिफरेंट जगहों पर लेके जाना है। और सबसे बड़ी बात कि इन बच्चों को आपको क्रिएटिव लोगों की कंपनी में लेके जाएं, डल लोगों से बचाएं और क्रिएटिव लोगों की कंपनी में भेजें, उनके दोस्त बनाएं, उनको अपने घर में दावत दें, आपके बच्चे ऐसा ऐसा क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को क्रिएटिव और स्किल्ड बच्चों के हवाले से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बाकी हम लोग जब कोविड की बात करेंगे, पेरेंटिंग ड्यूरिंग कोविड, तो उसके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। तीसरी चीज़ जिसमें हमें स्मार्ट पेरेंटिंग मेथड्स चाहिए, वो है कि हमारे बच्चे डिसिप्लिन बने और हमारे बच्चे हेल्दी बने। उस हवाले से भी हमें बहरहाल कुछ काम करने होंगे। याद रखिएगा, हम ये कहें कि ये सारा कुछ खुद हो जाए तो बहुत बड़े धोखे में हैं हम, बहुत बड़ी गलत अजम्पशन करके फिर रहे हैं। अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला की आप पूरी रिसर्च करके देख लें, तारीखें उठा के देख लें, इंसानों की तारीख, कौमों की तारीख, मुल्कों की तारीख, जिस कौम ने जो किया अल्लाह ताला ने उसका उसको बदला दिया। तो हमें अपने बच्चों को डिसिप्लिन और हेल्दी बच्चे बनाने के लिए हर हाल कुछ करना पड़ेगा। हमें कुछ चीज़ें हम देखते हैं, बाकी चीज़ें बहुत सारी हैं, कवर करना मुश्किल होंगी। मसलन हजरत की, इसी तरह पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब की इसी किताब में औलाद की तरबियत में फिजिकल ग्रोथ के 11 मैजिक विंडोज दी गई कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ विंडोज खुलती हैं। वो विंडोज़ का मतलब ये है कि कुदरती तौर पे बच्चे के अंदर वो चीज़ पैदा होती है। अब कोई बंदा उसको सीख ले, कोई माँ या बाप सीख कर उसको थोड़ा सा बेहतर कर ले, तो वो जो है वो बच्चा वो उस वो वक्त होता है कि वो बच्चा सीख सकता है। मसलन इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि बच्चे का जो ट्रेनिंग टाइम है स्लीपिंग का, वो बच्चे का 4 से 6 महीने के बाद खुलता है, पैदाइश के बाद। कोई माँ जैसे ही बच्चा पैदा हो, हफ्ते बाद कोशिश करे कि ये मेरा बच्चा जो है रात को फिक्स टाइम पे सोए और फिक्स टाइम पे उठे, नामुमकिन है, वो हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने, कुदरत ने उसके अंदर जो स्लीपिंग, जो स्लीप ट्रेनिंग मैनेजमेंट है उसकी, जो उसने सीखनी है वो 4 महीने के बाद ही होगी। अब कोई माँ अगर उसको ये पता होगा तो वो अपने पहले 4 महीनों को किसी और तरह से डील करेगी और 4 महीने के बाद बच्चे को। इसी तरह वो ये विंडोज, बेशुमार विंडोज हैं, 11 विंडोज हैं जो मुख्तलिफ अवकात में खुली। मकसद ये है कि जिस चीज का जो वक्त हो उस टाइम पे अगर हम वो वक्त, वो चीज इस्तेमाल करेंगे, उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो हमें ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे बनिस्बत ये कि टाइम पे ना। इसी तरह बहुत अहम बात
develop them as keen hard workers. अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे डिसिप्लिन हो, हेल्दी हो, उनको एक है हार्ड वर्कर, एक है शौकीन हार्ड वर्कर। बच्चे के अंदर मशक्कत की आदत डालें। वो मशक्कत की आदत बातों से नहीं होगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। बाप या माँ को अपने साथ बच्चों को मिला, बस माएं कहती हैं जी मैं अकेली कर लेती हूँ, बेहतर है, ये तो वक्त डालता है मुझे, इसको तो आता नहीं है, ये मुझे तंग करेगा, जाओ तुम जाके टीवी देख लो, मैं कर लूंगी। असल में हमें करना क्या है, बच्चे को मेहनत करके उसको काम सिखाना है। घर के काम है, सफाई है, किचन के काम है, मेहनत करें उसमें। बच्चे के साथ प्रोजेक्ट बनाएं, आज हम इसको ये काम करेंगे। तो बड़ी मुश्किल सी चीज ढूंढे कि मसलन जी ये हमने आज इसकी छुट्टी है ना, अब जैसे लॉकडाउन है, घर में एक बड़ी सी गेम डिजाइन करें, उसके ऊपर जनाब बच्चे के साथ मिलके उसको डिजाइन करें। और अब मैं पिछले दिनों डिजाइन एक देख रहा था, एक छत पे ऊपर बच्चे जो खेल रहे हैं, वो गेम जो है वो पूरी ड्रॉ हुई हुई है, मुझे लग रहा था इसकी बड़ी मेहनत है। तो बच्चों को उस काम पे लगाएं, लेकिन उसके साथ लगना पड़ेगा। तो खुदारा बच्चा मशक्कत खुद नहीं, खुद हार्ड कीन हार्ड वर्कर नहीं बनेगा, हमें बनाना पड़ेगा। और कोई माँ या बाप ये कहे कि मेरे बच्चे के अंदर मशक्कत ना आए और वो खुद मशक्कत उठाने वाला ना हो, तो भूल जाएगा कभी उसकी जिंदगी में हार्ड वर्क आएगा। तो बच्चे को ऐसी उसकी तरबियत हो, आप उसके साथ इस तरह से काम करें कि बच्चा जो है वो शकीन हार्ड वर्कर बन जाए, कीन हार्ड वर्कर बन जाए। तो देखिएगा ये डिसिप्लिन भी होगा और हेल्दी भी होगा। और सबसे अहम चीज, अपने डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी शो करें। अगर एक बाप या माँ खुद अपने डिसिप्लिन में कंसिस्टेंट नहीं है, उसके रात के सोने उठने के टाइमिंग ठीक नहीं है, सुबह उठने का टाइम ठीक नहीं है, कभी नमाज पढ़ ली कभी ना पढ़ी, कभी जो है वो तलावत कर ली कभी ना की, कभी जो है वो, मतलब आपको अपना डिसिप्लिन शो करना होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे के अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा। एक्सरसाइज की हैबिट अगर वालिद की है या वालदा की है, बच्चे के अंदर आएगी, बच्चा हेल्दी होगा। तो खुदारा ये सारी वो चीजें हैं जो कि हमारे उसमें हमें फायदा देंगी। ये तीन चीजें थी अपनी तरफ से, मैंने कोशिश की कि ये तीन चीज देखें, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, प्लीज पेरेंटिंग को सब्जेक्ट बनाएं। आज का सेशन सिर्फ इंट्रोडक्शन का है, इसको पढ़ना है, इसको सीखना है, इसके ऊपर गौर करना है। अल्लाह ताला जब आप इस पर गौर करना शुरू कर देंगे, किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे, इंटरनेट के ऊपर इस वक्त मैंने जिन लोगों को अभी स्टडी किया, एक तो मैंने हजरत हाफिज फीजुल्फार अहमद साहब को स्टडी किया इनकी किताबों को, फिर प्रोफेसर जवेद अहमद खान साहब हैं, डॉक्टर हैं, जो आप इसके ऊपर निकालें कि मैं बच्चों की हम तरबियत कैसे करें, वो बहुत अच्छी खूबसूरत बातें निकलेंगी। आप कासिम अली शाह साहब को इसके ऊपर सुने, आपको बेशुमार चीजें मिल जाएंगी। आप जरा पेरेंटिंग गूगल पे लिखें तो सही, जरा तो आपको एक नहीं हजारों वेबसाइट्स इंतहाई ऑथेंटिक किस्म की आपको मिलती जाएंगी और आप उसमें, लेकिन खुदा रहा इसको पेरेंटिंग को एक अपना टास्क बनाएं। अभी हमने ये जो स्मार्ट पेरेंटिंग का एक ग्रुप बनाया है, इंशाल्लाह ताला इस ग्रुप में हम लोग सिर्फ स्मार्ट पेरेंटिंग की डिग्रीज ही शेयर करेंगे। हम इंशाल्लाह इस पूरा एक इसमें विजन सेट करेंगे कि हमने अपने लोगों को, देखिए कुछ चीजें हैं जो सिर्फ रोज की आप देखिए मुतफर्रक चीजें सुनेंगे ना तो आप कभी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। तो हमने इसीलिए अब पिछले दिनों ऑनलाइन टीचिंग का ग्रुप बनाया, अभी हम उस पर वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उससे हमारे बहुत फायदा होगा। आगे चीज है जो हमारा एक जो आगे का टॉपिक था, जो हमारा टारगेट था आज का, कि हम अपने बच्चों के लिए विजन सेट करें। सेट विजन फॉर योर चिल्ड्रन, लॉन्ग टर्म गोल्स। देखें आप ये कह दें कि आपके बच्चों का विजन सेट खुद बहुत हो जाए तो बहुत बड़ी घटना। मैंने सुलेमान अहमद साहब जो कि टाइम लेंडर के चीफ हैं और उन्होंने उनकी वर्कशॉप की 3 दिन की, तो वो कहते हैं दादा विजन सेट करता है, पोता उस पर अमल करता है। अगर किसी दादे ने या बाप ने विजन ही सेट नहीं किया अपने बच्चे के लिए, विजन का मतलब है फ्यूचर में देखें कि मेरा बच्चा फ्यूचर, इस बच्चे का फ्यूचर क्या है। सिर्फ कह देना कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, मेरा बच्चा फलां बन जाएगा, फलां बन जाएगा, दिस इज नॉट विजन सेटिंग। विजन सेटिंग एक पूरा का पूरा टास्क है, पूरी की पूरी स्किल है, जिसको सीखे बगैर नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसके लिए विजन सेट करें। अब इसमें मैं सिर्फ कुछ कुछ चीजें आपको बातें बता देता हूं। एक तो आप विजन क्रिएशन स्किल सीखें, वालदैन सीखें इसको। ये कैसे सीखनी है मैं थोड़ी से आपको ग्लिम्प्स दे देता हूं। है दूसरी चीज है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का विजन बने, बहुत बड़ा विजन बने,
विजन का मतलब ये है कि ये दुनिया को चेंज करें और इनका इम्पैक्ट हो माशरे के ऊपर, तो आप इन बच्चों को ऐसे लोगों के पास भेजें जिनका विजन पहले है, ऑलरेडी विजन है, उन लोगों के पास भेजें, उनकी कंपनी में भेजें, इनका विजन बन जाएगा। जैसे हमारे, हमने सुना है कि आप, बल्कि हम उनकी कंपनी में जाते हैं, हाफिज़ बारम साहब, हाफिज़ इब्राहिम साहब, या आपके नज़दीक कोई भी विजनरी पर्सनैलिटी है जो कि मुआशरे के अंदर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है, उसका कोई ये तल्लक नहीं है कि वो किस मसलक से हो, किससे मसले, हाँ विजनरी पर्सनैलिटीज आपके अंदर नजर आ रही है। हमारे इस इधर हम लोग देखते हैं रायवंड के करीब एक बुजुर्ग हैं सईद अहमद अलवी साहब, बच्चों को भेजिए वहां पर, आपको विजनरी लोग जगह जगह मिलेंगे, बिखरे हुए मिलेंगे। कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन में भेजें, आपको प्रोफेसर जवेद खान साहब के पास भेजें, और इधर अहमद जवेद साहब हैं एक हमारे, आपको जब आप ये सोच सोचेंगे तो आपको मिलेगा, आपको विजनरी लोग मिलेंगे। तो इसी तरह टाइम लैंडर्स की, आपने विजन अगर क्रिएट करना है तो आप टाइम लैंडर्स हैं, आप गूगल करें, वहां सलमान अहमद साहब हैं, आपको उनका विजन सेटिंग, पूरी दुनिया में वो वर्कशॉप्स करवाते हैं विजन सेटिंग की। हम ही नहीं, गोरे भी उनसे विजन सीखते हैं, लेकिन हम नहीं सीख रहे उनसे, तो उस पर जाए। इसी तरह पिछले दिनों मैंने एक कोर्स किया ब्रायन ट्रेसी का, अल्टीमेट गोल सेटिंग है। अब उस पर कम अज कम जो मेरे लगे वो 15 से 20 घंटे लगे, मैंने तो उसको यूट्यूब से उठाया और इसकी एक वर्कबुक डाउनलोड की। अब मुझे उस वक्त ये था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत बड़ी मुझे समझ आई कि विजन होता क्या है, गोल सेटिंग है। वो मैं इंशाल्लाह आज ग्रुप में उसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा, 2-2.5-3 घंटे की वो वीडियो है, ऑडियो आपको 2-3 दफा वो ऑडियो सुननी होगी। फिर उसकी साथ साथ एक्सरसाइजेज हैं, वो भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि उसकी गोल सेटिंग हो जाए अपनी, पहले तो अपनी होगी ना, फिर बच्चे की करेगा वो, तो वो जरूर उसको सुने। इसी तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह एवलॉन हाई का विजन, हमारी टीम ने, भाई बुरहान ने, हम सब ने मिलके वो बनाया कि विजन 2035 कि हमें, अब इस विजन की बात सुन लें, हमने अपनी सोच में ये कहा कि हम मुस्लिम उम्मा को 50,000 बच्चे 2035 में देंगे, ऐसे पक्के ठक्के मुसलमान और स्किल्ड लोग जो कि मुस्लिम उम्मा की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे। हम अपने एक बुजुर्ग के पास गए, उन्होंने उनसे ये सामने रखी सारी बात, रिसर्च अपनी सामने रखी, तो वो कहते हैं 50,000 क्यों, 50 लाख क्यों नहीं। तो हमने कहा हमारी सोच छोटी है, अल्लाह से कुछ बड़ा मांगना चाहिए। तो इसलिए विजन का ये मतलब भी है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊपर ले जाएं, अल्लाह से जितनी बड़ी चीज मांगेंगे और जितनी बड़ी चीज का विजन मिलेगा, विजन सेट करेंगे, मिल जाएगी। अगर आप छोटी छोटी चीजें को, विजन को सेट करेंगे तो आपके लिए आपको वही कुछ मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। तो बहरहाल ये पूरी साइंस है और इस साइंस को आपको समझना होगा, फिर अपने बच्चों का विजन सेट करेंगे। मैंने मिसाल के तौर पे कुछ एग्जांपल्स मैंने सेट किए हैं, ये मेरे अपने सेट किए हैं, ये विजन की एग्जांपल्स हैं, बाकी आप लोगों को विजन अपने बच्चों का खुद सेट करना। मसलन सेट क्लियर, विजन का मतलब है सेट क्लियर गोल्स, ठीक है, उनकी डेडलाइन साथ होनी चाहिए, ठीक है। और बहरहाल एक जो एक विजन एक अल्टीमेट चीज भी है और विजन के नीचे गोल्स आते हैं, तो मैंने विजन अभी फिलहाल उसको थोड़ा सा उसके नीचे वाली टर्म गोल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बस मैंने कहा कि एक हाफिज बच्चा हो तो उसको हर साल रमजान में कुरान सुनाना चाहिए या सुनना चाहिए तरावी में, तो देखें एक एक गोल सेट हो गया आपके बच्चे के लिए, क्लियर गोल। इसी तरह अगर वो बच्चा हाफिज है तो उसको 7 दिन के अंदर अंदर कुरान का खत्म करवाना चाहिए, कुरान का खत्म करो। आप अपने बच्चे को ट्रस्ट में लेकर, आप अपने बच्चे को गले लगाकर जब ये बातें उसके साथ करेंगे, डिस्कस करके, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपका बच्चा ये काम करेगा। जिस वालद का या वालदा का बच्चा उसकी बात नहीं मान रहा, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि उसके वालद या वालदा के पेरेंटिंग स्टाइल में प्रॉब्लम है, वो प्लीज वो किसी से कंसल्ट करे, गौर करे, किताबें पढ़े, लोगों के लेक्चर सुने, ताकि उसका पेरेंटिंग स्टाइल ठीक हो। इसी तरह आप अपने बच्चे के लिए विजन बनाएं कि जी आपने बच्चे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है, आपने हार्वर्ड या लम्स में पढ़ना है। छोटी बात ना सोचें कि ये इसको मिल जाएगा फलां गवर्नमेंट कॉलेज में, फलां में कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। भाई उसको लंबी सोच देंगे तो वो उसके लिए काम करेगा ना। जब उसको आप ये कहेंगे तुमने लम्स में पढ़ना है, तो लम्स की वो सोचेगा लम्स में पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है, GRE है, IELTS है या मार्क्स है, कितना GPA चाहिए मुझे, फ्लां फ्लां फ्लां। तो ये सारी प्लीज विजन बनाएं अपने बच्चों का, उनको टारगेट्स दें। इसी तरह आप ये विजन बनाएं, गोल बनाएं कि आप जो है हेल्पिंग मैन एटीट्यूड इसमें बनना है।
मैं पिछले दिनों एक और भी थोड़ी सी चीज पढ़ी, खैर वो लंबा हो जाएगा। इसी तरह एक सेट करें, मेरे बच्चे ने सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन बनना है। आपको अब हेल्पिंग मैन बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, अपनी अच्छा काम से मुराद अपनी अप्रोच बनानी पड़ेगी, सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन बनाना है। इसी तरह आप एक और विजन भी बनाए, सोच बनाए, टारगेट बनाए, मुझे अपने बच्चों की शादियां 25 साल से पहले करनी है, आप देखिएगा उसके आपको क्या नतीजे मिलते हैं। इसी तरह आप एक विजन बनाएं, आप टारगेट सेट करें कि मुझे हर साल अपने बच्चे को उम्रा कराना है और या किसी ना किसी इंटरनेशनल प्लेस पे विजिट कराना है। बनाएं तो सही ना, देने वाली अल्लाह की जात है, अल्लाह ताला जो इंसान मांगता है अल्लाह उसको देते हैं। तो ये कुछ गोल्स है, ये मैं सिर्फ आपको बताए हैं, एक दो मिनट में मैंने सिर्फ देखा। असल गोल्स आपने तब बनेंगे, विजन तब सेट होगा जब आप विजन क्रिएटिंग पूरी एक्टिविटी करेंगे, तो उसको सीखना पड़ेगा। बरन हमें नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी विजन नजर आता है, गज़वा खंदक में नबी अलैहिस्सलाम बल्कि बेहतरीन विजन देने वाले और विजन विजनरी पर्सन आप सल्लम थे। गज़वा खंदक में जब वो चट्टान नहीं टूट रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया और आप सल्लम ने पहली कंदाल या कदाल उसके ऊपर मारी तो वो चट्टान का कुछ हिस्सा टूटा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जो है फारस के महल्लात नजर आ रहे हैं। इसी तरह दूसरी कदाल मारी तो कहा मुझे फलां जगह के महल। अब ये क्या था, खंदक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहासरे में बैठे हुए हैं, बाहर 10,000 का दुश्मन बैठा हुआ है और आप सहाबा को बता रहे हैं, फरमा रहे हैं कि मुझे ये चीज नजर आ रही है कि हमने यहाँ यहाँ जाना है, हमारी दौड़ यहाँ तक नहीं है। दिस इज द वियर, विजन की बेशुमार मसाले हैं, किसी टाइम इंशाल्लाह उसको देखेंगे। नाउ हम आखिरी चीज, एक दो चीजों को लेके, अब पेरेंटिंग ड्यूरिंग कोविड, मैं क्रिएटिविटी में कुछ चीजें बताना चाहता था लेकिन बहरहाल वो यहाँ हम ले आते हैं उसको, कि स्किल्ड और पेरेंटिंग के लिए क्रिएटिव बनाने के लिए हम क्या करें, अपने इस पे कोविड-19 को कैसे यूज करें। एक बात जहन में बार बार मैं कह रहा हूँ कि हर काम करने के लिए हमें कोशिश करनी होगी, हमें टाइम निकालना होगा, हमें अपनी सुस्तियों को ख़त्म करना होगा, हमें प्लानिंग करनी होगी, हमें बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह अब ये देखिएगा कोविड में मेरे जहन में क्या चीज़ें आई। देखिए बच्चों को आप जैसे कहेंगे, बच्चों को जैसे गाइडलाइन देंगे बच्चे वैसे करेंगे। आप अपने 6, 7, 8, 9, 10, 11 साल के बच्चे का, जो आजकल हर बच्चा कंप्यूटर यूजर है, आप उनको रिसर्च दें भी, आप कोरोना वायरस के बारे में मालूमात इकट्ठी करें, बहुत अच्छी बात है, इकट्ठी करनी चाहिए ताकि पता लगे कि कोरोना बला क्या है। आप बच्चे को बताएंगे आप बेटे इसके बारे में मुझे आपने अगले 15 तारीख को बताना है कि दुनिया के अंदर कौन कौन से वायरस पीछे गुजर चुके हैं, दें उनको। आप अगर ये कहेंगे ये बच्चा नहीं कर सकता, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। आजकल बच्चा YouTube पे हर चीज देखता है, उसको कहें कि वहां से सुन सुन के लिखना शुरू करें। हाँ अगली बात है, सही है गलत है वो एक अलग चीज है, उसको हम किसी और तरीके से देख सकते हैं। इसी तरह अब देखें, आपका ये कोरोना वायरस आया, दुनिया पूरी की पूरी हिल गई, हमने क्या चीज सीखी इससे। तो मुझे ऐसे लगा कि आप बच्चों को ये सिखाएं कि ये जो कोरोना वायरस है उन लोगों के लिए कुछ नहीं है जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा, तो बेटे आप लोग इम्यून सिस्टम पे रिसर्च करें, इम्यून सिस्टम पे रिसर्च करें कि हमारा इम्यून सिस्टम किस बला का नाम है और इम्यून सिस्टम किस तरह से जो है बेहतर हो सकता है। वैसे मेरे जहन में अभी एक आइडिया आ रहा था कि हम किसी दिन, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं प्रोफेसर डॉक्टर माजिद साहब, उनको किसी दिन बुला के हम इम्यून सिस्टम पे एक करवाएं, ये जो सेशन करवाएं, ताकि हम कोरोना खत्म होने से पहले पहले कुछ ना कुछ रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स और कुछ ना कुछ फैसले करके बैठ जाए कि भी अब हमने आने वाली जिंदगी में अपनी किन किन चीजों को बेहतर करना है, ताकि कल को खुदा ना हास्ता इस तरह का कोई और वायरस आए तो हम लोग डैमेज ना हो। इसी तरह पेरेंटिंग जो है, मैं समझता हूँ मैंने पीछे जो बातें, अब ये पिछली बातों का क्रक्स है, आप जिस तरह भी कर लें, आप बच्चों को हाउस वर्क की हैबिट बनाए। इसी तरह एक प्रोग्राम है raskids.com, उसका नाम है raskids.com, वहाँ ऑनलाइन पता नहीं कितने प्रोग्राम पड़े हुए हैं, आप उसको देखें। खान अकेडमी के प्रोग्राम फ्री, पूरी 100% डिजाइंड। यहाँ तो हम कह रहे होते हैं ना, कोई बंदा अगर आप बच्चे के साथ एक दफा बैठ के डिस्कस कर लेंगे तो आपका बच्चा खान अकेडमी के बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज को कर लेगा। इसी तरह एक अमेरिकन प्रोग्राम है ब्रेन ओ ब्रेन, आप उस पर जाएं। आप यकीन करें जब आप प्लानिंग करेंगे, आप बच्चों की स्किल, आप देखें, आप हम ये कह रहे हैं क्रिएटिविटी और स्किल ड्यूरिंग पेरेंटिंग कोविड, हम एक फोकस करेंगे मेरे बच्चे की फलां स्किल को मैंने बेहतर करना,
अब उस फ्लास स्किल को बेहतर, मतलब क्रिएटिविटी है या स्पोकन इंग्लिश है या बच्चे की राइटिंग है, तो आपको अब तो इंटरनेट की दुनिया में इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है, आपको हर चीज जो है वो इंटरनेट से मिल जाएगी। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, बाप को टाइम देना होगा, माँ को टाइम देना होगा। अब बाप कहे जी मैं तो मोबाइल ही नहीं देता अपने बच्चे को, भाई क्या हो गया, आप मोबाइल क्यों नहीं देते? उसके लिए प्लान करें, आप उसके लिए अरेंजमेंट करें अपने बच्चे के लिए, अगर अगर आपने, हाँ ये है, उसके ऊपर चेक लगाएं प्रॉपर, ताकि बच्चा खुदा ना हासा किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। ये चेक अलग चीज है, अब इसको बिल्कुल ओपन छोड़ना तो ये भी अनइन्वॉल्व पेरेंट्स हैं। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ चीजें थी जो कि हम ड्यूरिंग पेरेंटिंग में कर सकते हैं। तो लास्ट चीज, एक आखिरी रिक्वेस्ट, सब लोग प्लीज जरा अलर्ट हो जाएं और प्लीज इसको बहुत गौर से और ध्यान से इन चीजों को सुने, कि फाइनल रिक्वेस्ट, पूरी हमारे सेशन का क्रक्स जो है, प्लीज पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल पे आ जाए, डिसाइड कर लें, हिम्मत करें, सब्र करना सीखें और पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल पे आ जाए। डिस्कार्ड कर दें आप परमिसिव को भी, जिसमें आपने बच्चे को मम्मी डैडी बना दिया है, वो भी गलत है, कि आप बच्चे से सिर्फ प्यार ही प्यार किए जा रहे हैं, वो भी गलत है, पे पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल पे आ जाए। आप अनइन्वॉल्वनेस को खत्म करें, मैं कहता हूँ आपको अथॉरिटेरियन को भी खत्म करें और अथॉरिटेटिव पे आ जाए, और पेरेंटिंग स्टाइल्स को सीखें आप। इसके लिए ये बहुत लंबी बहस है, आप लोग प्लीज वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा, जिससे आप लोग अपना पेरेंटिंग स्टाइल मैयर कर लेंगे। मैं आपको एक क्विज भेजूंगा इसमें इंशाल्लाह ताला आज या कल में, कि जिस पे आप, अगर आप उस क्विज को करेंगे तो आपके सामने आपका स्टाइल शो हो जाएगा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अभी ये करवाऊँ वो, लेकिन चूंकि अभी टाइम इतना नहीं है, तो इंशाल्लाह हम इस पे वो करेंगे। इसी तरह एक बहुत अहम बात, अपने बच्चों के मामले में अल्लाह पे ट्रस्ट करें। ये बात मुझे उस दिन सूरह कसस को मैं स्टडी कर रहा था तो जहन में आई, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो फिरौन जो था उसको नजूमी ने बताया कि तुम्हारी सल्तनत को बनी इसराइल का कोई बच्चा खत्म करेगा, यानी कि बनी इसराइल का एक बच्चा है जो कि अभी इन्हीं दिनों में पैदा होगा, तो वो तुम्हारी सल्तनत को, उसने इस काम के लिए हजारों बच्चों को कत्ल करा दिया। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में डाला, इल्हाम किया कि आप अपने बच्चे को संदूक में ढालें और इसको छोड़ दें। खुदा की करनी क्या हुई, उस बच्चे को, उस संदूक को फिरौन की बीवी ने पकड़ा और फिरौन के घर में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सारी निगहदाश्त। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, हमारे सारे सबाब, एक तरफ फिरौन की पूरी सल्तनत के सबाब, पूरी सल्तनत लगी हुई है फिरौन को उस बच्चे से बचाने के लिए, कत्ल हो रहे हैं हजारों बच्चे, पूरी फौज की फौज लगी हुई है, ये सारे असबाब थे जो फिरौन ने और उसकी बादशाहत ने, सल्तनत ने लिए। और दूसरी तरफ एक गरीब माँ की सबब देखें कि अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला कि संदूक में डाले। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितने मर्जी सबाब अख्तियार कर लें, आपके सबाब जीरो हैं अगर उसमें अल्लाह ताला की रहमत बरकत नहीं होती। तो हमें असबाब सारे के सारे अख्तियार करने हैं, लेकिन तवक्कल किस पे करना है, अल्लाह की जात, वही आपका छोटा सा सबब अल्लाह उसमें रहमत बरकत डाल देगा। आप जहन में रखें इस संदूक की मिसाल और फिरौन की सल्तनत की मिसाल। प्लीज अपने आप, बच्चों के मामले अल्लाह पे ट्रस्ट करें। और ट्रस्ट करने का बेहतरीन तरीका क्या है, कि मैं कोशिश, तो आपने देखा, आपने कहा जी मेरे बच्चे की अच्छी तालीम और तरबियत हो, तालीम हो, तो आपने उनको किसी भी अच्छे स्कूल में अपनी सोच के साथ, अपनी फहम के साथ, तो आपने सर्वे किया, लोगों से मशवरे किए, आपने उस स्कूल में डाल दिया, और उसके बाद अब आप अल्लाह से रो रो के अल्लाह से मांगे, दो रकअत नमाज हाजत पढ़ के, अल्लाह मैंने जो करना था कर दिया, अब इस पे रहमत बरकत डाल दीजिएगा। यकीन करें, किसी जिसे पिटे स्कूल में भी डाल देंगे ना, तो वो बच्चा आपका अच्छी तालीम हासिल कर लेगा, क्योंकि आपने अपने बच्चे को अल्लाह के हवाले कर दिया। तो कोशिश के साथ साथ, पूरी मेहनत के साथ साथ, अपनी सारी तदबीरों को अल्लाह के खाते में डाल दें, तो उसमें रहमत बरकत डालें, तो ये इंशाल्लाह ताला। तो पहली चीज, पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल पे आए, दूसरा अपने बच्चों के मामले में अल्लाह पे ट्रस्ट करें, बड़ी मिसालें हैं, रात को रो रो के अल्लाह के सामने दुआएं मांगे, और तीसरी बात, अपने बच्चों के लिए विजन सेट करें और उसके लिए मेहनत है, और चौथी बात, अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, प्लीज रोल मॉडल बने।
वो अगर बाप सारा दिन उसके सामने मोबाइल यूज करता है, माँ सारा दिन फेसबुक यूज करती है, और वो ये कहे कि बेटा तुम ना मोबाइल पकड़ो, प्लीज ये बच्चों के अंदर डिप्लोमेसी पैदा होगी, ये बच्चों के अंदर मुनाफ़त पैदा होगी, इससे बचें। और आखिरी बात मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंटिंग को अपना कंपलसरी सब्जेक्ट बना लें अपनी ज़िंदगी का, यहीं इस सेशन पे ना रहें, सोचें अल्लाह ताला जो करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, ये बच्चे आपके लिए दुनिया का ख़जाना बनेंगे, फ़ख्र का ज़रिया बनेंगे, अल्लाह के लिए भी, अल्लाह की बारगाह में भी फ़ख्र का ज़रिया बनेंगे। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो 6 बातें हैं, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 पांच बातों को आप लेके जाएं और इस पे काम करें, इनकी तो सब लोग तस्वीर उतार के रख लें और इस चीज़ पे काम करना शुरू कर देंगे, और सबसे बड़ी चीज़ कि पॉजिटिव एटीट्यूड पे आ जाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को मुस्लिम उम्मा की सरबुलंदी का ज़रिया बनाए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हमारे लिए सदक़े जारिया बनाए। अल्लाह हमारे बच्चों को हमारे लिए कामयाबियों का ज़रिया बनाए। अल्लाह ताला की बारगाह में और नबी अलैहिस्सलाम की बारगाहों में शर्फ़ कबूलियत का ज़रिया बनाए। अल्लाह कामयाबियों का ज़रिया बनाए। अल्लाह ताला आपको जजाय खैर दे। कुछ टाइम हमने ज़्यादा लिया, लेकिन यकीन करें ये टॉपिक ऐसा है कि दिल करता था कि 2, 3, 4 घंटे का सेशन हो, हम लोग लाइव इसके अंदर बहुत एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी करें, लेकिन एनी हो जो हालात थे उसके मुताबिक किया। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ टाइम की वजह से जो लेट हो गए उसके लिए बहुत माजरत है, बहुत शुक्रिया, जजाक। अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग एंड करते हैं।